वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाए सब लोग जल्दी जल्दी एवरीवन। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दे बच्चों। जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दे माय डियर लर्नर्स प्लीज। आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी फास्ट ज्वाइन करें। जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दे, मैक्सिमम बच्चों को, मैक्सिमम जितने भी लड़के हैं सबको शेयर कर दीजिए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। कौन कौन आ गया बच्चों, प्लीज ज्वाइन द सेशन फास्ट। चलो आ जाओ सब लोग। वेरी वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाओ एवरीवन, प्लीज फास्ट कम ज्वाइन द सेशन। सब लोग आ जाइए माय डियर लर्नर्स प्लीज फास्ट ज्वाइन द सेशन एवरीवन। बहुत कम लड़के हैं, उतना दिन से कह रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट कीजिएगा, कब स्टार्ट कीजिएगा, आज लड़के ही गायब है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। तो अन एकेडमी लेट्स क्रैक इट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसको जितना भी लिंक है आपके पास, जितना भी व्हाट्सएप लिंक है, जितना भी आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, जितने भी चैनल से आप जुड़े हैं सब पे थोड़ा थोड़ा शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि मैक्सिमम लड़के हमारे साथ जुड़ जाएं। और जो भी सीरियस लड़के हैं जो पीआई से गेट दे रहे हैं पार्टिकुलरली, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है ये, जो पीआई से गेट दे रहे हैं हमारे लिए। पीआई वालों को भी थोड़ा सा बुला लीजिए। सब लोग आ जाओ प्लीज माय डियर। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए एवरीवन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट, क्रैक गेट एन ईएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शंस एंड एक्सेस द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर। This is about me, my dear students. I did my BTEC from NIFFT Ranchi. Manufacturing Engineering में मेरा BTEC भी है बच्चों, and I was also selected in IIT Kanpur for Master's program in Manufacturing Engineering. तो आपको दिख रहा होगा बच्चों कि मेरा expertise जो है वो Manufacturing Engineering में है। और आपको यहाँ पे एक बहुत ही awesome content मिलेगा, बहुत ही best content मिलेगा Manufacturing Engineering का। अगर आप next 50 डेज मेरे पूरे मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर को अगर आप देखते हैं, तो मैं साथ ही साथ जो किताब फॉलो करूंगा उसके बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ये वाली किताब फॉलो करूंगा, दिस बुक, राइट। शायद आप लोग इस किताब को पहचानते होंगे बहुत सारे लोग। तो बस मेरे लेक्चर्स को देखते जाइए, मैं इस पूरी किताब को आपको सॉल्व, जैसे मैंने पीके नाग सॉल्व करवा दिया वैसे ये भी किताब आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप का मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर ले माई डियर। सारे लड़के मुझे जाके फॉलो कर लें। जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो कर लेंगे बच्चों, तो आपको मेरे प्लस कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे वहां पे, स्पेशल क्लास के भी कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। अन अकेडमी पे दो तरह का सब्सक्रिप्शन प्लान है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में डेली लाइव क्लासेज अवेलेबल है,
लाइव टेस्ट अवेलेबल है, क्विजेज अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले ले तो किसी भी डिवाइस से आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार आप पढ़ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में आपको एक एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है पर्सनल कोच का। पर्सनल कोच आपको वन ऑन वन गाइड करता है टॉप एग्जाम्स के लिए, लर्निंग रिसोर्स आपको देता है, स्ट्रेटजी बताएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, स्टडी मटेरियल आपको देगा, स्टडी को आपके ट्रैक करता है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बूस्टर्स में, वीकली आपके मार्क्स को रिव्यू किया जाता है वहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में। तो बहुत बढ़िया, आपको एक अनएकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस एक आपको बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कॉम्बो ऑफर है हमारे पास कि अगर कोई भी बच्चा अनएकेडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेता है तो उसे अनएकेडमी कॉम्बो ऑफर देती है। कॉम्बो ऑफर मीन्स क्या, आपको 3 मंथ्स का कैंपस प्लेसमेंट्स आईटी जॉब सब्सक्रिप्शंस, राइट, 3 मंथ्स का कैंपस प्लेसमेंट्स आईटी जॉब सब्सक्रिप्शंस देती है, जहाँ पे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कोडिंग स्किल्स आपको पढ़ाया जाता है। स्पेशल क्लास, अनएकेडमी के स्पेशल क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव है, जहाँ पे लर्नर्स के लिए पोल होता है, नेवर मिस अ क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, लेक्चर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, एनी टाइम एनी वेयर आप पढ़ सकते हैं। ऑफर अलर्ट है अभी करेंटली, अगर 6 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं अनएकेडमी का तो 3 मंथ्स का आपको अनएकेडमी पे एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस मिल रहा है, तो 6 मंथ के ही कॉस्ट में आप 9 मंथ का गेट का प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नए नए बैच हैं, एक्सेलरेट बैच, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरोहन बैच, मिशन DDR, रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है आपका, इन सारे बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है IAS10। और अगर आप मेरे कोर्सेज को देखेंगे, जैसे थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा कोर्स, तो वेरी गुड। तो आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी 12 मंथ का कॉस्ट जो है आपका 29,000, 18 मंथ का 37,000 एंड 24 मंथ का 42। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। IAS10 कोड यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट है, AYAZ10, राइट, IAS10। आइकॉनिक में आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो 45,000 फीस है, 58,000 18 मंथ्स का एंड 66,000 24 मंथ्स का। EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है यहाँ पे, और वन टाइम पेमेंट भी है, आप जैसा चाहें वैसा आप पढ़ सकते हैं। और फीस हाइक होने वाला है अभी अनएकेडमी का, तो आप सब बच्चे इसको अपने नॉलेज में रखें कि अनएकेडमी का गेट एंड EAC का प्राइस हाइक होने वाला है बहुत ही जल्द, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। IAS10 कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, और मेरे प्लस पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, रेडी हो जाइए। मैं कुछ चीजें आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा जिसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आज मेरा इंट्रोडक्शन है, आज मेटल कटिंग एंड मशीन टूल स्टार्ट नहीं हो रहा है, आज इंट्रोडक्शन है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए, और कल से आप मेटल कटिंग एंड मशीन टूल्स का लेक्चर नंबर 1 से। तो ऐसा नहीं है कि आज इंपॉर्टेंट नहीं, आज भी मैं जो चीज बताऊंगा उससे भी गेट एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आएंगे, गेट एग्जाम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के ही क्लासिफिकेशन से आ जाएंगे। तो आज का क्लासिफिकेशन देखिए, और इंडिया का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लेक्चर सीरीज, जैसे आपको थर्मोडायनामिक्स में मजा आया था, अब मुझसे मुझे ये बताइए कितने लड़के यहां पर हैं, चलिए मुझे ये बताइए कि कितने लड़के यहां पर हैं जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग देखे हुए हैं, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग, ये सॉरी, जो मेरा थर्मोडायनामिक्स लेक्चर यूट्यूब पे देखे हैं, थर्मोडायनामिक्स लेक्चर यूट्यूब पे देखे हैं, अभी जस्ट वो फिनिश हुआ है, राइट, इसी टाइम पे होता था 7 PM पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया लेक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशंस में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग भी, इसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अब आप देखिए दो तीन बातें जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डेफिनेशन वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, अगर हम गेट के PYQs को अगर हम एनालिसिस करें, अगर आप गेट को एक पाई चार्ट बनाते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, देखिएगा इसमें सर्कल बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चलिए मैं पेन से बना देता हूं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, देखिए मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं,
सर्कल ही बनाने का नहीं है इसमें यार, बड़ा दिक्कत है यार। चलो मैं स्क्वायर बना देता हूँ इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ देखो, मैं एक ऐसा पाई चार्ट ले रहा हूँ, एक पाई चार्ट से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली। देखिए अगर आप थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं, आ जाइए मैन्यू फैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, राइट। जो लड़के गेट पीआई से दे रहे हैं उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों जरूरी है, तो जो जरूरी और नहीं जरूरी वाले लड़के हैं वो अगर एक गेट को एक पाई, मेरे एक्चुअली यहाँ पे सर्कल नहीं बन पाता इसमें, तो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, राइट। ऐसा मान लीजिए 100% है स्क्वायर, तो अगर आप इस 100% में इसको चार पार्ट में अगर बांटेंगे तो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स के पेपर में अगर आप यहां पे देखेंगे थोड़ा सा, तो लगभग माय डियर लगभग आप अगर सेंटर से बात करें तो ये अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपका टोटल में अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो टोटल में 17 से 18 नंबर का इसमें अगर आप बात करें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपका 17, मतलब 15 नंबर से ज्यादा तो आएगा ही, 15 प्लस, और आ सकता है ये 15 to 18। और एक बार तो हद ही हो गया, गेट 2018 में 20 मार्क्स का, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से 20 मार्क्स, मतलब आपको अगर मैं बोलूं कि ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर, वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और है आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका लगभग ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, तो ये आप अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 13 नंबर, और अगर आप इसकी बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एप्टीट्यूड की, तो 15 नंबर। तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग मैथ्स और ये हो गया एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ठीक है एवरीवन। मतलब अगर कोई लड़का सिर्फ इतना प्रिपेयर करके जाता है, बाकी द रेस्ट, ये रेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, तो अगर आप मैक्सिमम जैसे मान लीजिए 15 ही का आया, मैं ऐसा मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग से 15 ही का आया, तो 15 15 30 और 30 और 13 43, मतलब अगर हम इतना ही को प्रिपेयर करके जाते हैं तो हमें 43 मार्क्स आ सकता है, और गेट हम क्वालिफाई कर जाएंगे। मतलब एक लड़का जो अभी सोच रहा होगा कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं, तो वो आंख बंद करके गेट क्वालिफाई कर सकता है, इजिली गेट क्वालिफाई कर सकता है, कि 43 नंबर का तो बस इसी 3 सब्जेक्ट से आएगा, राइट। और जो बचा हुआ है हमारा ये रेस्ट ऑफ द ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर, मतलब सोम हो गया, टोम हो गया, थर्मल हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, एचएमटी हो गया, जितना भी पेपर है सब यहाँ पे डाल दीजिए, फ्लूड मैकेनिक, फ्लूड हाइड्रोलिक, सब। तो मतलब बाकी हमारा कितने नंबर का बचा, तो बाकी हमारा बचा माय डियर 57 नंबर का, 57 मार्क्स। तो मतलब 57 मार्क्स का बाकी सब और आपका 43 नंबर का ये, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी जो गेट का ट्रेंड चल रहा है पिछले 8 साल का 7 साल का, उसमें जो सबसे वीआईपी टॉपिक है वो ये है, और जो लड़का इसको छोड़ के जाएगा वो पापी है, उससे बड़ा पापी कोई है नहीं, राइट। सबसे वीआईपी टॉपिक है अभी और सबसे जबरदस्त, राइट, वीवीआईपी टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक, मतलब इसको छोड़ना ही नहीं है, पहली बात। अब दूसरा, कुछ लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे, वो दे रहा है एग्जाम पीआई भी साथ में, मतलब जो दो पेपर का कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ जो लड़के हैं वो एमई भी दे रहे हैं प्लस पीआई भी दे रहे हैं, तो जो एमई और पीआई साथ में दे रहे हैं, या कुछ लड़के हैं जो पीआई प्लस एमई दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर उनका पीआई है, कुछ लड़के हैं ओनली पीआई दे रहे हैं,
राइट, अब कुछ लड़के हैं ओनली एमई दे रहे हैं, तो ये चारों कैटेगरी वाले लड़के पीआई प्लस एमई, पीआई एमई प्लस पीआई, ओनली पीआई ओनली, उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इसको छोड़ेगा बहुत बड़ी गलती करेगा, मतलब 15 से 18 नंबर ये रैंक डिसाइडिंग है। अगर आप ओएनजीसी, मतलब आप आईआईटी में जा रहे हैं तो ओएनजीसी जा सकते हैं, एनआईटी में है तो आईआईटी में आपको लेके जा सकता है ये, और प्राइवेट कॉलेज से एनआईटी लेके नीटी बहुत अच्छे। अगर आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग अच्छा कर लिए तो आपका फ्यूचर बन गया। तो चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना काम कर लेंगे लाइफ बन जाएगा। चलिए अब आगे आता है कि सर मैन्युफैक्चरिंग हमें किससे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको टीचर्स का भी नाम बताऊंगा और मैं आपको किताब भी बताऊंगा और क्या क्या इसमें हमें करना है वो सब चीजें मैं बताऊंगा। पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले कि सर किस एडुकेटर से पढ़ें, मैं तो यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूं। अब हो सकता है कि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको मेरी बात नहीं समझ में आएगी, मे बी सर फर्स्ट डे है, यस इट इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट डे है, मैं हर चीज आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो जो प्रोडक्शन है हमारा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको आगे जब पढ़ाऊंगा। तो अभी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, राइट। तो एक लड़का बोलेगा कि सर इसको मैं, देखिए कोई भी आदमी पढ़ाएगा तो वो बोलेगा कि आई एम द बेस्ट, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आई एम द बेस्ट। हो सकता है कि 10% लड़के को मेरी बात नहीं समझ में आए, मे बी राइट, तो मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा। आपको जिससे मन करे आप उससे पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए जरूर, इस टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर हम किस एडुकेटर से पढ़ सकते हैं, तो भैया अभी तो हमारे आ चुके हैं सबसे फेवरेट एसके मोंडल सर, एसके मोंडल सर से भी आप पढ़ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपको पढ़ने का मन है, राइट। आप पढ़ सकते हैं राजीव सर से भी पढ़ सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छे एडुकेटर हैं हमारे, पढ़ा रहे हैं राजीव सर, उनसे भी पढ़ सकते हैं, मोंडल सर से भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरे हैं गौरव बाबू सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, उनका भी लेक्चर अवेलेबल है, गौरव बाबू सर, राइट। अच्छा, और आप पढ़ना चाहते हैं और आप पढ़ सकते हैं, और भी शायद मुझे नाम और लुक का, एक मीनू मैम है वो भी पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है, राइट, मीनू मैम है वो भी पढ़ाती है, अच्छा उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे एडुकेटर्स हैं और आपको जिनसे भी दिल करे आप पढ़िए, राइट, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, और आप मुझसे चाहिएगा तो मुझसे भी पढ़ सकते हैं, अयाज सर से, राइट। तो मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि आप मुझसे कंफर्टेबल ना हो, हो सकता है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आए, पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो आप मुझसे भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो आप ऐसा नहीं रहिए, अनअकैडमी पे आपको ऑप्शन है कि भाई एक ही एडुकेटर है इन्हीं से हम पढ़ेंगे, आपको जिससे दिल है आप उससे पढ़िए, ओके। शायद हो सकता है मैं किसी एडुकेटर का नाम मुझसे स्लिप कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। मनीष सर भी एक है, मनीष सर भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट राइट। आप आ जाइए, तो आपको एक नाम मेरा छूट गया है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट एवरी वन, आई रिस्पेक्ट एवरी वन, जो भी पढ़ाते हैं मैं सबको बहुत ही इज्जत देता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे मनीष सर, इसीलिए मैंने अपना नाम लास्ट में लिखा क्योंकि मनीष सर भी हैं हमारे, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे अनअकैडमी के ये सारे एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो यहाँ से भी आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया जाए, कैसे इसको किया जाए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करें, सारे एडुकेटर से मैन्युफैक्चरिंग पढ़ें क्या? नहीं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच सर, सबसे पढ़ ले क्या एक ही टॉपिक? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, किसी एक आदमी से पढ़ना है और उनके सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको राजीव सर पसंद है, राजीव सर से पढ़ लीजिए, मंडल सर पसंद है, मंडल सर से पढ़ लीजिए, गौरव सर, मीनू मैम, मनीष सर, अयाज सर, जिससे भी पढ़ना है, राइट राइट, आप आराम से पढ़ लीजिए जिससे भी दिल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं से। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक वहां पढ़ रहे हैं, दो टॉपिक यहां पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट, वैसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाएंगे, तो चलिए मैं अब आ जाता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता दूं थोड़ा बहुत कि भाई मेरा मैन्युफैक्चरिंग से प्यार बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने बीटेक ही किया हुआ है, मैंने बीटेक ही किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। और फिर मेरा आईआईटी कानपुर में भी सिलेक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में ही एमटेक मिला मुझे वहां भी, राइट। तो मेरा प्यार जो है ना, बचपन का प्यार है ये बचपन का प्यार है मेरा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये बचपन का प्यार है मेरा मैन्युफैक्चरिंग, राइट। आ जाइए, बचपन बचपन ना, बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार है मेरा, राइट, मैन्युफैक्चरिंग। तो आप आ जाइए, तो मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात,
आपको क्लास नोट्स पे ध्यान देना, सबसे पहले क्लास नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लड़का क्लास नोट्स नहीं देखेगा वो सबसे बड़ी गलती करेगा। सबसे पहले आपको एक क्लास नोट्स बनाना है, सारे चीज जो भी सर जो पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट करेंगे। एक क्लास नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छा सा, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में, क्योंकि जब भी दर्द हो हम क्लास नोट्स रेफर करें। क्लास नोट्स अच्छे से बना लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, एकदम आंख बंद करके सुन लीजिए। आप गेट का, गेट मैकेनिकल एंड पीआई, देखिए दोनों ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल का भी और पीआई का भी आपको पीवाई क्यूज करना है, मैंडेटरी है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट करता है। तीसरा काम क्या करेंगे आप, तीसरा काम माय डियर आप करेंगे, ये दोनों करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स, राइट, कुछ बुक्स से आप प्रीफर कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी स्टैंडर्ड बुक, राइट, प्रॉब्लम्स, क्योंकि नया क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा, वो मैं बताऊंगा किस बुक को फॉलो करना है, प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, और ये मैं सॉल्व करवा दूंगा पूरा, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर घोष एंड मलिक का सॉल्यूशन कहां मिलेगा, पीके नाग का भी सॉल्यूशन मैंने ही डाला यूट्यूब पे, राइट, स्टैंडर्ड बुक्स। इसमें पूरा नहीं करना है, कुछ कुछ चीजें हमें करनी है, हर चीज नहीं करना है, कुछ कुछ करना है। तीसरा हमें क्या करना है माय डियर, क्लास नोट्स पीवाईक्यूज के बाद, राइट, स्टैंडर्ड बुक के बाद हमें टेस्ट सीरीज देना है, दबा के टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज एकदम पार्ट टेस्ट जितना दे सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 20 टेस्ट हमें देना है, बढ़िया बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग का। इतना आप कर लिए ना, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है 15 से इसमें लाने में, राइट, 15 प्लस नंबर लाने में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लड़के बोलेगा सर स्टैंडर्ड बुक में क्या हमें किताब पढ़ना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए वन बाई वन? नहीं, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको किताब पढ़ के, उतना टाइम अब आपके पास बचा नहीं है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और मैं जो बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंडर्ड बुक्स कौन से हैं, राइट, स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, राइट। क्लास नोट सफिशियंट है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किताब बनाने की जरूरत नहीं है, बात बात देखिए 70 नंबर तक मैं भी मानता हूं जरूरत नहीं है, 70 नंबर तक आपको जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होता है आसान, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, थोड़ा सा किताब उताब सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप बैंड बजा दीजिएगा, तो अगर आप बना लेंगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मेरा जो फेवरेट बुक है ये घोष एंड मलिक, घोष एंड मलिक की एक किताब है, इससे आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाना है, सिर्फ न्यूमेरिकल, राइट। इसका किताब का नाम है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, उसके बाद दूसरा किताब कोई एक लड़का जो आप लोग फॉलो करते हैं कल्पक जैन, कल्पक जैन की किताब है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की, इसको भी आप ले सकते हैं कोई ऐसा इसमें, लेकिन मैं उतना उतना बनाने का न्यूमेरिकल बस आप घोष एंड मलिक से, क्योंकि देखिए इस बुक से कोई लड़का बोल रहा है कि सर बहुत सारे लोग मना करते हैं किताब बनाने के लिए, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इस किताब से ना बच्चों डायरेक्टली 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली मैं आपको दिखाऊंगा, 7 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक, डायरेक्टली फ्रॉम दिस बुक, फ्रॉम दिस बुक इन गेट, मतलब गेट के पेपर में डायरेक्टली आया हुआ है 7 क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट चेंज है, ओनली डिजिट्स वर्ड चेंज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस किताब को बनाना हमारे लिए जरूरी है, घोष एंड मलिक को, और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए, मैं लाइन बाई लाइन आपको सॉल्व करवाऊंगा, YouTube पे करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एकदम उसका टेंशन नहीं लीजिए, आपको वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर मिलेगा इंडिया का, बस आप डेली आइएगा, डेली बस आपको डेली आना है, बस ये याद रखिएगा, ये नहीं कि आज सीरियस हुए कल से गायब। पीसी शर्मा की भी किताब आप यूज कर सकते हैं, अच्छी किताब है, पीएन राव की भी किताब आप यूज कर सकते हैं, राइट, कुछ लड़के एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए स्वदेश सर की भी किताब है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, स्वदेश सिंह की किताब है, राइट, ये सब भी किताबें ठीक है,
ये सब किताब आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मुझसे आप पूछिएगा सर क्या करें, तो मैं आपको ज्यादा बोलूंगा फोकस इस पे करने के लिए। मेरे हिसाब से बोलिएगा क्या करें, तो मैं बोलूंगा क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज करो, गेट का PYQs लगाओ, मैकेनिकल का, PI का, स्टैंडर्ड बुक से सिर्फ न्यूमेरिकल बना लो और टेस्ट सीरीज दे दो, बात खत्म। और ज्यादा तुमको कुछ करना है तो IES का ऑब्जेक्टिव लगा लो, IES का प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव, थ्योरी के लिए, फॉर थ्योरी, प्रोडक्शन में फॉर थ्योरी। सर थ्योरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, बहुत लड़के को दिक्कत, सर थ्योरी कहां से बनाए, तो आप लिख लीजिए यहां पे क्या करना है, IES प्रीलिम्स PYQ। राइट, ये आप कर लीजिए, आपका थ्योरी भी हो जाएगा। तो शायद बच्चों आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा हमारा। अब आपको किताब में ये वाला मैं फॉलो कर रहा हूं, इसके मैं एक एक क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, बाकी किताब मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट फॉलोइंग कल्पक जैन, PC शर्मा, PN राव स्वदेशी, मैं किसमें से किसी किताब को फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये करवाऊंगा, क्लास नोट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा, गेट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, PI का भी, घोष और मलिक के सारे सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, टेस्ट सीरीज के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा दूंगा यहीं पे, और IES के PYQs के थ्योरी आपको करा दूंगा, इतना मैं करा दूंगा। और मैन्युफैक्चरिंग में वादा है कि 15 में 15 नंबर आपको आएगा, 15 से ऊपर ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यही किताब है बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सब मैं आपको कराऊंगा। राइट, तो सारे लड़के मुझसे वादा करें कि सर मैं डेली आऊंगा, सर मैं डेली आऊंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं डेली आऊंगा। राइट, मैं डेली आऊंगा, एकदम सब आदमी वादा करें मुझसे, एक बार वादा कर दें कि मैं डेली आऊंगा सर। चलिए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बस आज ही से स्टार्ट हो रहा है। राइट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, चलिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में अगर आप चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो इसको अगर बाई इसको ब्रेक करेंगे तो ये बना हुआ है दो वर्ड से, मेन्यू प्लस फैक्टर्स, इससे बना हुआ है, थोड़ा सा कहानी सुनना पड़ेगा, मेन्यू प्लस फैक्टर्स। राइट, मेन्यू प्लस फैक्टर्स, मेन्यू मीन्स किसी चीज को बनाना, टू मेक एनीथिंग। राइट, एंड फैक्टर्स मीन्स बाई हैंड। राइट, तो मेन्यू प्लस फैक्टर्स टू मेक समथिंग एंड ये बाई हैंड, तो ये बहुत पुराना डेफिनेशन है, उसी से नाम दिया गया किसी चीज को, मतलब एक कुम्हार है। राइट, एक कुम्हार है जो आप देखते हैं, पोर्टर, पोर्टर क्या करता है, कुम्हार को देखे कभी, वो हाथ से बना देता है। राइट, किसी भी चीज को। राइट, तो वहां पे क्या करे, वो हाथ से उसको एक शेप दे दिया, तो वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो आपसे घड़ा बना रहा है, वो आपसे जैसे आप जानते हैं वो वाला चाय आजकल चलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के इसमें बहुत जगह पे हमारे इधर बिकता है उसको, चाय को क्या, तंदूरी चाय। राइट, उसका जो आप पॉट देखते हैं वो सब कैसे बनता है, वो सब कुम्हार बनाता है, तो दैट इज ए मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। राइट, तो टू मेक समथिंग बाई हैंड, दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, यहाँ पे इसको आप दूसरे तरह से, ये तो एक बेसिक है एब्रीविएशन, इसका डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक लड़का बोलेगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा, राइट, मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, इंटू अ फिनिश प्रोडक्ट। किसी भी रॉ मटेरियल को अगर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। राइट, राइट, तो रॉ मटेरियल को डिजायर्ड प्रोडक्ट में, जैसे इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन, इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल। तो वैल्यू कैसे बढ़ा देते हैं, जैसे इसका फेमस एग्जांपल जो दिया जाता है, जो बहुत सारी किताब में भी दिया हुआ है, कि पोर्टर का एग्जाम्पल, पोर्टर का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, जैसे मान लो कि मैं अपने घर से, अगर तुम्हारे पास मिट्टी मिट्टी है ना, मिट्टी काट के लाके दे दूं, तुमको बोलू कि भाई 50 किलो मिट्टी ले लो, तुम लोग ही हमसे बोलोगे यार सर हम क्या करेंगे इस मिट्टी का। राइट, लेकिन तुमको मटका जाके देंगे, मटका तुम तुरंत ले लोगे, तुमको मिट्टी का ग्लास देंगे, तुम तुरंत ले लोगे, कुछ भी चीज दे तुमको ले लोगे।
लेकिन सिर्फ मिट्टी देंगे तुम उसको यूज नहीं करोगे। विच मीन्स वॉट, विच मीन्स दैट एक पोर्टर क्या करता है, जो मिट्टी में वैल्यू एड करके उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, मटके में। तो दैट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे लकड़ी है हमारा, कारपेंटर, कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी से बना देता है चेयर, लकड़ी से चेयर बना दिया, टेबल बना दिया, राइट। तो वो भी एक वैल्यू एडिशन प्रोसेस हो गया। और जो आपके पास रॉ मटेरियल था उसमें उसको एक डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी आपसे इंटरव्यू में वगैरह में पूछेगा कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो आप बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट 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 डील्स विद द वैल्यू एडिशन प्रोसेस। आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बोलिए या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलिए, एक ही बात है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, नोट्स बनाना है सबको, और जो बैठ के देख रहे हैं ना सिर्फ गाल पे हाथ रख के, मैं घुस जाऊंगा लैपटॉप के अंदर से, एकदम कॉपी खोलो, पेन खोलो और लिखो मेरे साथ साथ बैठ के, नहीं तो छोड़ के चले जाओ, मत देखो। वो जो हवा में बैठ के ऐसे करके देख रहे हो ना फिल्म की तरह, वैसे नहीं देखना है, कॉपी पेन खोल के नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, तभी हो पाएगा, नहीं तो वैसे फिर बात पढ़ नहीं पाइएगा ढंग से। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड और डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो आपका डिजायर था उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, राइट। दूसरा डेफिनेशन है आपका, इसको एक और तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल, इट इज अ वैल्यू बढ़ा देता है मार्केट में, इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। कैसे, मैंने बताया जैसे आपको मिट्टी का एग्जाम्पल दिया उसको आप कन्वर्ट कर दिए मटके में, आपको लकड़ी का एग्जाम्पल दिया उसको आप चेयर बना दिए, आपको मेटल्स का एग्जाम्पल दिया उससे आप बड़ा बड़ा शेल्फ बना दिए, रेलवे ट्रैक्स बना दिए, स्क्रू ड्राइवर बना दिए, नट बना दिए, क्रैंकशाफ्ट बना दिए, बहुत सारा चीज बना दिए। तो इट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल, वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल, टू द रॉ मटेरियल, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, राइट। वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल, जैसे अभी मैं आप में वैल्यू एड कर रहा हूं, अब एक महीने बाद आप देखेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग बवाल हो जाएगा, और ये मेरा वादा है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक अगर कोई होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। आप बोलिएगा सर एग्जाम देने के एक दिन पहले रात में आपको मैं फोन करूंगा तो आप बोलिएगा कि सर बाकी सब्जेक्ट में तो थोड़ा बहुत है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें डर नहीं लग रहा मुझे, और 100% ये होगा। तो दैट इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस टू द रॉ मटेरियल। अब बात आती है कि सर वैल्यू एड करना कैसे है, अब वैल्यू एड जो आप इसको कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। जैसे आप कबाड़ी वाले को देखे होंगे जो स्क्रैप उठाने के लिए आता है, मोहल्ले में आवाज लगाता है, दिल्ली में बड़ा, जैसे पुरानी दिल्ली उल्ली में आप जाइएगा कोई भी जो क्राउडेड इलाका है वहां पे नीचे आवाज आता है, कबाड़ी ले लो, सुनते नहीं ऐसा, इस तरह का बोलता रहता है, आप सुनते होंगे शायद, मैं उसका आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ उतना अच्छे से। तो वो क्या करता है, वो स्क्रैप को जमा करता है, बहुत सारे स्क्रैप को। तो उसके पास कुछ प्लास्टिक्स आता है, उसके पास कुछ आयरन आता है, कुछ उसके पास ब्रास आ जाता है, कुछ कॉपर का मटेरियल आ जाता है, कुछ एल्युमिनियम प्लेट्स आ जाता है। तो बहुत सारी चीज सबको वो एक बॉक्स में रख के लेके चला जाता है, चला गया। उसके बाद जो अपने गोडाउन में जाता है वहां जाके वो सबको क्या करता है, अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। एल्युमिनियम को एल्युमिनियम वाले इसमें रख दिया एक साथ, कॉपर को कॉपर वाले में रख दिया, आयरन को आयरन वाले में रख दिया, स्टील को उधर रख दिया। उसके बाद आपका वो ये करता है क्या नाम है, प्लास्टिक को प्लास्टिक में रख दिया। अब क्या करता है, सबको एक फर्नेस में डालता है अलग अलग, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम मेल्ट करने वाले फर्नेस में डाल दिया, आयरन को सबको डाल दिया, सबको मेल्ट करके लिक्विड मेटल बना लिया। अब लिक्विड मेटल बना के एक कैविटी बनाता है और कैविटी बना के उसमें पोर कर देता है। तो पोर करके उसको थोड़ी देर सॉलिडिफाई करने देता है,
उसको जब थोड़े देर सॉलिडिफाई करने देता है, आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन उसको एक मस्त एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो पहले जो जमीन में फेंका हुआ था, रोड पे फेंका हुआ था, राही मुसाफिर आ रहा है जा रहा है, वो भी उसको नहीं उठाता था, कोई नहीं उठाता था, लेकिन उसको कास्टिंग करके, उसको पिघला उगला के एक कैविटी में पोर करके, एक समझ लीजिए आपको एक आयरन का प्लेट बना दिया, राइट, एक आयरन का प्लेट बना दिया, रेलवे ट्रैक कुछ भी बना दिया, तो उसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना मार्केट में, उसने एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बना दिया। तो कैसे बनाया? तो एक आदमी ने बनाया कि सर उसको वो कास्टिंग करके पिघला करके बना दिया, ठीक है। दूसरा एक बोला कि सर उसको, एक बंदा है उसको मान लीजिए दो रॉड दिखा, उसको एक बड़ा रॉड चाहिए था, उसने उसमें वेल्डिंग कर दिया। कुछ ने क्या किया, एक आप बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, एक मान लीजिए खराब टाइप का उसको कुछ मिला, उसको क्या करता है, मशीनिंग करता है, मशीनिंग करके जितना रफ सर्फेस है उसमें उसको रिमूव कर देता है और उसको एक नया शेप दे देता है, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ा देता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारे पास टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेनली चार प्रोसेसेस में बांटा गया है। आपका पहला उसमें आता है मेटल कास्टिंग, दूसरा आता है आपका मेटल फॉर्मिंग, तीसरा आता है आपका मशीनिंग, और चौथा आता है आपका मेटल ज्वाइनिंग, राइट। इस चार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं रॉ मटेरियल में। ओके, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में एक फेमस क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। कोई लड़का मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, कैन एनीवन टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर देम, डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, गाइस प्लीज टेल मी, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, ये इंटरव्यू में अक्सर पूछता है कोई एक लड़का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लाइक नहीं कर रहे हैं बच्चों आप लोग, लाइक बटन नहीं दबा रहे हैं। आइए देखिए, प्रोडक्शन जो है ना हमारा, दैट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, प्रोडक्शन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी नैरो टर्म, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बहुत नैरो टर्म है। एक प्रोडक्शन यूनिट जो होता है ना उसमें बहुत सारे छोटे 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 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। जैसे जैसे एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट है। जैसे वो एक ऑडी कार बना रही है, एक बीएमडब्ल्यू बना रही है, एक बाइक बना रही है, तो उसमें होता है क्या, जैसे आपको टायर चाहिए, आपको साइलेंसर चाहिए, आपको ब्रेक चाहिए, आपको क्लचेस चाहिए, आपको हेडलाइट चाहिए, उसको बाइक का बॉडी पार्ट चाहिए। तो होता है क्या कि जब आप एक बहुत बड़े प्रोडक्शन यूनिट में घुसेंगे तो वहां पे छोटा छोटा मैन्युफैक्चर, जैसे मान लीजिए टायर मैन्युफैक्चर हो रहा है, राइट, टायर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं पे आप जाके देखेंगे तो गियर बन रहा है, गियर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहीं पे आपका साइलेंसर बन रहा है। तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलाएंगे तो एक प्रोडक्शन यूनिट बनता है। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट अपॉन आउटपुट, रॉ मटेरियल गया और हमें एक, जैसे बाइक, बहुत सारा रॉ मटेरियल एक इंडस्ट्री में गया और फाइनली एक बाइक आपका बाहर निकल रहा है, एक फोर व्हीलर आपका बाहर निकल रहा है, राइट। तो उसमें एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है, पूरा राउटिंग, शेड्यूलिंग, कब आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कितने दिन बाद ऑर्डर आएगा, कितने देर में प्रोडक्शन होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आपको मैं एकदम सिंपल सा जुगाड़ बता रहा हूं, कोई भी पूछे तो आप बोलिएगा कि सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि बनाते कैसे हैं, बस इसके अलावा कोई उसको लेना देना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन में बनाना तो है ही आपको, साथ ही साथ आपका कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका टाइम पे प्रोडक्शन होना चाहिए, डिलीवरी आपका टाइम पे होना चाहिए, बहुत सारी चीजों को हम प्रोडक्शन में टेक केयर करते हैं, कहाँ पे उसको रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा बना लिए कि बाद में उसको स्टोर कहाँ पे करें, उसका रेंट ही दिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी चीज होती है वहां पे, फैक्टर होता है जो आप पढ़ते भी हैं प्रोडक्शन में, पूरा का पूरा टॉपिक्स पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ वेरी नैरो टर्म एंड प्रोडक्शन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म,
राइट, तो प्रोडक्शन इज मतलब द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री द प्रोडक्शन यूनिट, कोको कोला जो थम्सअप बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सब आपका प्रोडक्शन यूनिट है, राइट। लेकिन एक सिंपल बात करें, जैसे ग्लास बन रहा है, तो दिस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटा सा यूनिट है यहाँ पे ग्लास बन रहा है, तो इसको आप मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। टायर कहीं पे बन रहा है, कहीं पे आप गियर बना रहे हैं, हॉबिंग कर रहे हैं, टर्निंग, कहीं पे सिर्फ आप डायमीटर रिड्यूस कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, कहीं पे आप वेल्डिंग कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा आपका प्रोडक्शन यूनिट है, तो उसमें एक आपका टिग का एक प्लांट होगा, मतलब एक वेल्डिंग यूनिट होगा, जहां पे सिर्फ क्या होगा, वेल्डिंग होगा। तो वहां पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लाइक दिस, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आइडिया, तो आपको देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हेडिंग दे दीजिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एवरीथिंग। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई करेंगे, तो इसको मेनली हम चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसको मेनली हम चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा चार पार्ट है? चार पार्ट है आपका, आप लोग को मालूम भी होगा बहुत सारे लोग को। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग मेटल कास्टिंग। क्या बोलते हैं? मेटल कास्टिंग। दूसरा है हमारा मेटल फॉर्मिंग। तीसरा है हमारा माय डियर मेटल कटिंग। मेटल कटिंग और मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस। और चौथा है माय डियर आपका मेटल जॉइनिंग। राइट, मेटल जॉइनिंग और वेल्डिंग। अब ये चार है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि इस मेटल कास्टिंग को बोलते हैं हम लोग, मेटल कास्टिंग को, राइट, मेटल कास्टिंग को हम बोलते हैं जीरो प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जीरो प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग को भी हम बोलते हैं जीरो प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? कोई लड़का कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों जीरो प्रोसेस बोलते हैं। राइट, और मेटल कटिंग को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस। और इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों बोलते हैं जीरो प्रोसेस? कोई लड़का कमेंट बॉक्स में। दीपक चौधरी, ट्राई टू डू सच थिंग विच नो वन हैज डन लाइक 100 क्वेश्चन ऑन प्रोडक्शन। सब होगा, सब होगा। पहले माहौल बनाने दीजिए, पहले माहौल बना दीजिए। 100 क्या, बहुत चीज पढ़ाएंगे आपको, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। राइट, बहुत चीज पढ़ाएंगे आपको, बस रेगुलरली देखिए। यू कैन नॉट, देखिए यू यू कैन नॉट जज एनी वन लेक्चर्स बाय वॉचिंग ओनली वन लेक्चर और टू लेक्चर। राइट, एटलीस्ट वॉच 5 to 6 लेक्चर, देन ऑटोमेटिकली यू यू विल रियलाइज के व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू। टू सी इन कास्टिंग व्हाट हैपेन, राइट, कास्टिंग में हमारा क्या होता है
कि जितना मान लीजिए हमें वॉल्यूम कास्टिंग का करना है उतना लिक्विड मेटल हम पोर कर रहे हैं, तो ये जीरो प्रोसेस की कैटेगरी में हमारा जीरो लॉस होता है मटेरियल का। मेटल फॉर्मिंग में भी हमारा वॉल्यूम कंजर्व रहता है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही आपका फाइनल वॉल्यूम, तो जीरो, यहां भी आपका जीरो। मेटल कटिंग इज अ नेगेटिव प्रोसेस, राइट राइट। मेटल कटिंग में हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, नेगेटिव में क्या होगा हमारा मटेरियल रिमूवल होगा, तो इसलिए हमारा ये हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, और मेटल ज्वाइनिंग हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है। अब यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूँ, सारे लड़के बताइएगा मुझे कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है जो मैं कास्टिंग से भी बना सकता हूँ, मेटल फॉर्मिंग से भी बना सकता हूँ, मेटल कटिंग से भी बना सकता हूँ, और मेटल ज्वाइनिंग से भी बना सकता हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं किससे बनाऊं, कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट मिले। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई विल गेट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। कैन एनीवन टेल मी किससे बनाएंगे? मेरा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट मुझे मिले। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट आपको मिले, तो आप हमेशा उसको किससे बनाइएगा? मेटल फॉर्मिंग से, याद रखिए, किससे बनाइएगा? मेटल फॉर्मिंग से, राइट। इट गिव्स यू द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट। अब रीजन बताइए कोई एक लड़का, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट क्यों? ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बना के देगा मेटल फॉर्मिंग, बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट यही बना के देगा आपको। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट बना के देता है क्यों? क्योंकि मेटल फॉर्मिंग में एक फेनोमेना होती है जिसका नाम है स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या होती है? स्ट्रेन हार्डनिंग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट ये क्यों बनाता है? ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, याद रखिएगा, ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग, ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? गेट 2017 में, गेट 2000 हार्डनिंग, ये गेट 2017 का क्वेश्चन है कि ये चारों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट कौन बनाएगा? मेटल फॉर्मिंग। क्लियर है एवरीवन? थोड़ा सा लिंक को शेयर करिए, लाइक नहीं कर रहे बच्चों आप लोग, वेरी बैड, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, एवरीवन हिट द लाइक बटन, राइट। स्ट्रेन हार्डनिंग, वेरी गुड। ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग इट प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट, वेरी गुड। चलिए अब आपको तो मैं मेटल कास्टिंग पढ़ाऊंगा, मेटल फॉर्मिंग भी पढ़ाऊंगा, मेटल कटिंग और मशीनिंग पढ़ाऊंगा, मेटल ज्वाइनिंग और वेल्डिंग। इसके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना है उसको लिख लीजिए, फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं पढ़ाने वाला हूं ये सब तो हमारा हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों क्या, आप जानते होंगे नाम, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा, पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है गेट में एक दो बार। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। राइट, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करवाऊंगा, गेट में ऐड हुआ है पिछले ही साल, राइट। तो ये आपको टोटल चीज क्या पढ़ना है, मेटल कास्टिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग और मेटल ज्वाइनिंग, और मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, पाउडर मेटलर्जी और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से मुझे बताइएगा, राइट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट, एडिटिव मैन्युफैक्चर, ओ ये थोड़ा सा इधर लिखा गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट। चलिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ये ध्यान में रखिएगा एवरीवन। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को यहां तक प्लीज लेट मी नो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग माय डियर, तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं हम लोग मेटल कास्टिंग पे, इसका क्लासिफिकेशन। अब आइए मेटल कास्टिंग को थोड़ा ध्यान दीजिए, मेटल कास्टिंग में डेफिनेशन अभी आपको नहीं लिखा रहा हूं कि मेटल कास्टिंग क्या है। मेटल कास्टिंग को अगर आपको बोलेगा कि डिफाइन कीजिए, तो
तो आप क्या डिफाइन करेंगे, मेटल कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट? मेटल कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द डिजायर्ड शेप ऑफ द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाई पोरिंग द लिक्विड मेटल इन टू अ प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी. एक प्री डिफाइंड मोल्ड कैविटी में आप लिक्विड मेटल को पोर कर देंगे और लेट इट बी सॉलिडिफाइड फॉर सम टाइम्स एंड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन यू विल गेट द डिजायर्ड शेप. तो ये आपका हो जाएगा मेटल कास्टिंग. अब यहाँ पे एक चीज समझो, मेटल कास्टिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्योंकि ये जो आज का जो लेक्चर है ना, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए. तो मेटल कास्टिंग को अगर हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों, देखिए तो मेटल कास्टिंग को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो बेसिस पे. मेटल कास्टिंग को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द दो बेसिस पे. देखो सी एवरीवन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माय डियर. ओके, देखिए माय डियर, पहला हमारा इसको हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, द बेसिस लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोल्ड, टाइप्स ऑफ मोल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोल्ड. अब एक लड़का बोलेगा सर मोल्ड क्या होता है, मोल्ड मोल्ड क्या होता है बच्चों? जैसे मैं जैसे तुमको एग्जांपल दे रहा हूं कि मेटल कास्टिंग जो जो चीज हमें पढ़ना है, मोल्ड होता है, जैसे मान लो तुम आइस ट्रे देखे हो, आइस ट्रे जिसमें हम बर्फ बनाते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट मोल्ड. मोल्ड हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा परमानेंट मोल्ड, एक होता है हमारा टेम्पररी मोल्ड. तो दो तरह का मोल्ड होता है. परमानेंट मोल्ड का मतलब हो गया कि अगर तुम्हें कोई कास्टिंग बनानी है तो तुमको मोल्ड बनाने की जरूरत नहीं. मोल्ड मतलब जिसमें कैविटी रहता है, तो तुमको क्या करना है, सीधे लिक्विड मेटल को लाना है और पोर. जैसे तुम बर्फ बनाते हो, क्या करते हो, ये पानी है आइस ट्रे में ढाले और आइस ट्रे को फ्रिज में. तो बर्फ बनाने के लिए तुम इसके लिए तो नहीं परेशान होते हो कि तुम्हें आइस ट्रे भी बनाना है, नहीं होते हो ना. लेकिन सैंड कास्टिंग, हमारा जो सैंड कास्टिंग है उसमें जो हर एक इंडिविजुअल कास्टिंग के लिए एक मोल्ड चाहिए, क्योंकि वो विद द हेल्प ऑफ सैंड बनाते हैं. जैसे ही कास्टिंग को जब निकालते हैं फाइनली, तो वो मोल्ड ब्रेक हो जाता है. तो फॉर ईच एंड एवरी सिंगल कास्टिंग वन मोल्ड इज रिक्वायर्ड, देन सच टाइप ऑफ मोल्ड इज कॉल्ड टेम्पररी मोल्ड. एंड अगर हम एक ही मोल्ड में 100,000 कास्टिंग तैयार कर दें, उसको बोलते हैं परमानेंट मोल्ड. क्या बोलते हैं, परमानेंट मोल्ड. तो आ जाओ यहां पे देखो, देखो यहां पे कि अगर मैं बात करूं इसको, तो यहां पे ये तुम्हारा होगा एक, ये तुम्हारा एक हो जाएगा माय डियर, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग टेक्निक. नाम याद रखना, क्या होगा, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग टेक्निक, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग. और इस परमानेंट मोल्ड कास्टिंग का ही नाम है दूसरा, नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग. ठीक है, नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग ध्यान में रखना, नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब तुम इधर जाओगे, दूसरा तुम्हारा आएगा, ये सॉरी आ जाओ, दूसरा तुम्हारा आएगा माय डियर टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग टेक्निक. समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा. टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग को एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग. तो अब मतलब हो गया परमानेंट, मतलब एक सिंगल कास्टिंग से
एक सिंगल मोल्ड से आप एन नंबर ऑफ कास्टिंग बना सकते हैं। तो इसको जब देखा गया कि एग्जाम में, गेट में, पीएसयू में, किसी भी एग्जाम में, गेट में, पीएसयू में पूछा जाता है ऑप्शन देके कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग टेक्निक। तो आप ये याद रखिएगा, सी डी एस बी जो बता रहे हैं, सी डी एस बी बी आई एंड सी, ये आप याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। अब देखो यहां पे, तो ये मैं क्या बता रहा हूं, पहला बताया आपको सी सी सी, बड़ा इसमें लिखने में दिक्कत, सी डी एस बी आई सी। अब ये क्या है, ये पोएम है, मैंने याद किया हुआ है, आपको भी याद करना है। क्या है भैया ये पोएम बता रहा है कि देखो ये सी मतलब है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव में बोले कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है, तो आप बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज अ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग टेक्निक, मतलब इसमें एक सिंगल मोल्ड से हम एन नंबर ऑफ कास्टिंग बना सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है, डाई कास्टिंग। दूसरा है आपका डाई कास्टिंग। तीसरा आपका है स्लश कास्टिंग। स्लश कास्टिंग। चौथा है आपका ब्लो मोल्डिंग। क्या है, ब्लो मोल्डिंग कास्टिंग, एक ही बात है, ब्लो मोल्डिंग। पांचवा क्या है आपका, इंजेक्शन मोल्डिंग। सब नाम सुने होंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग से क्या बनाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बनाते हैं जिसमें वाटर पैकेजिंग कंटेनर्स। कंप्रेशन मोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं, जो आपकी जो हेवेल्स वगैरह जो कंपनी है, जो आप देखते हैं बहुत सारा अप्लायंसेस स्विचेस वगैरह सब इसी से बनाते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम में कभी भी आए कि परमानेंट मोल्ड मास्टिंग क्या है, तो सीडीएस बीआईसी, सीडीएस बीआईसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा कि अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, अब बाद में मैं डिलीट कर दूंगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, राइट। देखिए इसको फिर फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्या क्या है देखो, इसको फिर तीन पार्ट में आपका क्लासिफाई किया गया, क्या है देखो। पहला है आपका ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ट्रू सेंट्री सब पढ़ना है हमें, सब पढ़ाएंगे आपको कास्टिंग, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उसके बाद क्या है आपका, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और उसके बाद क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। क्या है, सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। तो ये जो मैं चार्ट बनवा रहा हूं इससे गेट में क्वेश्चन आ चुका है, राइट। और पीएसयू में तो भड़बड़ के आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। एक्सपेंडेबल मोल्ड का मतलब कास्टिंग को निकालने के बाद मोल्ड को ब्रेक करना पड़े, उसको बोलते हैं टेम्पररी या एक्सपेंडेबल। लेकिन नॉन एक्सपेंडेबल में कास्टिंग को निकाल लिए, अब दूसरा लिक्विड मेटल आप पोर कर दीजिए, ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग। चलिए इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और ये देखेंगे, राइट। इसके बाद आप आ जाइए डाई कास्टिंग। तो डाई कास्टिंग भी आपका दो तरह का होता है, डाई कास्टिंग भी माय डियर आपका दो तरह का, एक होता है आपका क्या, एक होता है माय डियर आपका प्रेशर डाई कास्टिंग, राइट। एक होता है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, और एक आपका होता है प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग, राइट, प्रेशर डाई कास्टिंग। अच्छा, अब प्रेशर डाई कास्टिंग फिर दो तरह का होता है, राइट। ये होता है दो तरह का, दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, राइट। प्रेशर डाई कास्टिंग भी आपका दो तरह का, एक होता है हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, एक होता है कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, अब ये होता क्या ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी आप नाम याद रखिएगा, हॉट चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, HCPDC, कोल्ड
कोल्ड चैम्बर प्रेशर डाई कास्टिंग, राइट। एक में जो फर्नेस होता है कास्टिंग का यूनिट होता है, एक में इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग होता है, राइट। तो फर्नेस को भी अगर आप कास्टिंग यूनिट में शामिल कर देंगे तो उसको हॉट चैम्बर बोलते हैं। फर्नेस को अलग रखेंगे कहीं, लिक्विड मेटल को कहीं और मेल्ट कर रहे हैं, लैडल से लिक्विड मेटल पोर कर रहे हैं, उसको कोल्ड चैम्बर बोलते हैं। प्लंजर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक आदमी बोला है, सर प्रेशर डाई कास्टिंग पढ़ते क्यों? सिंपल सी बात है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग, अगर मेरा कैविटी नीचे है लिक्विड मेटल ऊपर है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। मान लो ऐसा, ये मेरा बॉटल है, लिक्विड मेटल पोर कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी इट कैन बी फील्ड, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगा, एमजी लगेगा, ये सीधे नीचे आके ग्लास में भर जाएगा। लेकिन उल्टा है, कैविटी ऊपर है और मेटल नीचे है, कैविटी ऊपर है मेटल नीचे है, क्या करेंगे हम? जब लिक्विड मेटल हमारा नीचे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्लंजर। तो पंप के थ्रू हम प्रेशर अप्लाई करके मेटल को वहां पे पहुंचाते हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्लासिफाई करते हैं, वो मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका परमानेंट मोल्ड कास्टिंग टेक्निक में CDSBIC, ये पोएम याद रखिएगा, CDSBIC, और सी आपका 3 तरह का हो गया, डी आपका 2 तरह का हो गया, फिर उसमें एक फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया फ्लश मोल्डिंग। अच्छा, अब आता है टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग, जिसमें हमें ब्रेक करना पड़ता है। चलिए देखते हैं टेम्पररी, मैं इसको यहां पे दिखा देता हूं, टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग टेक्निक। तो माय डियर, आ जाइए टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग टेक्निक। तो टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग, कोई लड़का इसका एग्जाम्पल बता दे, टेम्पररी मोल्ड कास्टिंग, राइट। तो इसमें आपका आ जाएगा माय डियर, देखिए कौन कौन आ जाएगा। तो CDSBIC के अलावा एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर एग्जाम में आए तो कैसे चेक करना है, CDS का एग्जाम देते ना कंबाइंड डिफेंस सर्विस, CDSBIC के अलावा जो आ जाए सब हमारा क्या होगा, यहां पे होगा। तो सबसे पहला तो है सैंड कास्टिंग, भैया सैंड कास्टिंग सबसे बेकार, उसमें तो बार बार हमें बार बार मोल्ड बनाना पड़ता है सैंड कास्टिंग। दूसरा वैक्स यूज करते हैं, जिसमें वैक्स किसमें यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी हमारा इसी में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बहुत शानदार। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बाद मरकास्ट, मरकास्ट जानते हैं बच्चों, इसमें हम मरकरी यूज करते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के ही तरह होता है लेकिन मरकरी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मरकास्ट, पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से मरकास्ट। अच्छा, और आप कुछ बताइए, आप लोग बताइए कुछ, भाई आप लोग कुछ बोल नहीं रहे भैया, कुछ बोल नहीं रहे, राइट। अरे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, लेक्चर को बस देखते रहना, आग लगा देंगे, राइट। तो सैंड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, मर्क कास्ट। अच्छा, एक और मालूम है आपको, फुल मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग आप जानते होंगे, जिसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं, फुल मोल्डिंग का ही दूसरा नाम है कैविटी लेस मोल्डिंग, इसी को क्या बोलते हैं, कैविटी लेस मोल्डिंग। इसमें प्लास्टिक पैटर्न यूज करते हैं, कैविटी लेस मोल्डिंग। अच्छा, इसी का तीसरा नाम है इवेपोरेटिंग पैटर्न मोल्डिंग, इसी को बोलते हैं इवेपोरेटिंग, इवेपोरेटिंग पैटर्न मोल्डिंग, इवेपोरेटिंग पैटर्न मोल्डिंग, पैटर्न इवेपोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, इसी में आप बोलेंगे कि सर एक हमारा आता है ये प्लास्टर मोल्डिंग, प्लास्टर मोल्डिंग सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्लास्टर मोल्डिंग। अच्छा, इसमें एक और आएगा शेल मोल्डिंग। चलिए, तो ये याद रहेगा, सारे लड़के एक ध्वनि में एक आवाज में बता दे कि सर कास्टिंग का तो धागा खोल दिया, चीजें समझ में आ गई कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व है, अब आगे बढ़िए, डेफिनेशन वगैरह हम तो बता दिए आपको, राइट। तो ये हम समझ गए सर टेम्पररी और परमानेंट, तो कास्टिंग का हमारा ये हो गया चैप्टर क्लोज, राइट राइट। कास्टिंग हमारा डेफिनेशन भी समझ गया, लिक्विड मेटल को जब पोर करेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने देंगे, वही पोर जिसमें करते हैं उसी को मोल्ड बोलते हैं, अगर हर कास्टिंग के लिए एक मोल्ड बनाना पड़ेगा टेम्पररी, और एक ही मोल्ड से सारा कास्टिंग बन जाएगा तो परमानेंट, राइट। अब आते हैं मेटल फॉर्मिंग में, तो एक विद्वान आदमी ने बोला क्या कि पिघला दो, पिघला के कैविटी में पोर कर दो, तुम्हें डिजायर्ड शेप मिल जाएगा। दूसरे एक आदमी ने बोला, अब देखो सुनो एक चीज, कास्टिंग से जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है, थोड़ा समझना, कास्टिंग हमने किया, कास्टिंग हमने किया, कास्टिंग से हमें क्या मिलता है,
कास्टिंग से सबसे पहले हमें मिलता है इनगॉट। जानते हो इनगॉट का नाम सुने हो? कोई भी लड़का इनगॉट का नाम सुने हो? कास्टिंग से जो पहला प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं इनगॉट। क्या बोलते हैं? इनगॉट। इनगॉट राइट, जो बड़ा बड़ा जैसे इतना बड़ा बड़ा होता है ना बच्चों कैविटी की, आप क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं सही बता रहा हूं, विश्वास नहीं करेंगे कभी आप। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाइजेक स्टील, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है हमारा, टाटा स्टील, सब में जाके देखिएगा इतना बड़ा बड़ा इनगॉट होता है, इतना बड़ा बड़ा इनगॉट होता है। अब इनगॉट का जब पहला ब्रेकडाउन करेंगे, द फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट, तो इनगॉट हमेशा कास्टिंग से ही बनेगा। दुनिया का कोई और प्रोसेस इनगॉट को नहीं बना सकता। पहला प्रोडक्ट हमारा जो कास्टिंग से बनता है उसको क्या बोलते हैं? इनगॉट। दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट मेड बाय द इनगॉट राइट। तो लिख लीजिए दैट इज द फर्स्ट मेड बाय कास्टिंग, बस इतना लिख लीजिए, मेड बाय कास्टिंग, मेड बाय कास्टिंग ओनली। अब आप क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं कास्टिंग। इसको ब्रेकडाउन जैसे ही करेंगे तो, क्योंकि इसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, इनगॉट को कोई कैसे एक सिटी से दूसरे सिटी लेके जाएगा, खरीदना मुश्किल है। तो इसका जब आप पहला ब्रेकडाउन करेंगे, फर्स्ट ब्रेकडाउन, तो आपको मिलता है बिलेट। क्या मिलता है? बिलेट, याद रखिएगा। इसके बाद पहला ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको मिलेगा बिलेट। ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, क्या मिलेगा? बिलेट। जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन देखते होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो बोलता है ए बिलेट ऑफ डायमेंशन 40 mm इंटू 40 mm। क्यों लिखा रहता है बिलेट? इसीलिए लिखा रहता है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा राइट, कि एक्सट्रूजन कर रहे हैं, मेटल फोर्जिंग कर रहे हैं, तो बोलेगा एक एक बिलेट है, बिलेट में हम लोड लगा। तो ये टेक्निकल वर्ड ही हमें नहीं मालूम रहता। इसरो के इंटरव्यू में चले जाते हैं, बोलता है जेंटलमैन कैन यू टेल मी फ्यू वर्ड्स अबाउट द बिलेट, सर नहीं मालूम, बिलेट पता ही नहीं है क्या है। तो देयर फोर यू मस्ट हैविंग अवेयरनेस अबाउट द बिलेट राइट। दैट इज द फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट। लिख लीजिए कि ब्रेकडाउन पहला करेंगे, फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट, फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट। इनगॉट को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको बिलेट मिलेगा। अब बिलेट भी बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा डायमेंशन कम भी होता है। तो बिलेट को अगर आप ऐसा करेंगे, सुनिए, बिलेट को माय डियर अगर आप ऐसा करेंगे, देखो बिलेट का फर्दर अगर आप करेंगे, कुणाल मुखर्जी कह रहे हैं सर प्री कास्टिंग, कास्टिंग से पहले क्या होगा मुखर्जी जी? कास्टिंग से तो वो तो जाए डायरेक्ट पिघला के क्या डाल दिए फर्नेस में। अब आप बिलेट का ब्रेकडाउन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज मिलती है। क्या मिलती है? सॉरी, बिलेट का ब्रेकडाउन करेंगे तो हमें मिलेगा स्लैब। क्या मिलेगा? स्लैब। स्लैब तो हमें क्या मिलेगा? स्लैब, SLAB। और स्लैब का फर्दर जब आप ब्रेकडाउन करेंगे तो स्लैब से हम बनाते हैं बहुत सारी चीजें। स्लैब से हम क्या बनाते हैं माय डियर? देखिए, स्लैब से हम बनाते हैं जैसे आप रॉड्स बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, ये सारी चीज यहां से बनाते हैं। तो ये सीक्वेंस है, ये एग्जाम वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में पूछता रहता है, तो आप उन्हें बता देंगे राइट। तो यहां से हम बनाते हैं रॉड्स, जो रॉड आप देखते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, शीट्स जो कैरी करते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक सब लेके जाता रहता है, शीट्स बनाते हैं। अब इनगॉट हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। बिलेट का ब्रेकडाउन होगा सेकेंड ब्रेकडाउन राइट, सेकेंड ब्रेकडाउन, तो ये आपको मिलेगा स्लैब्स राइट। सेकेंड ब्रेकडाउन ऑफ इनगॉट बोलिए या फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ बिलेट, तो ऐसा लिख लीजिए ब्रेकडाउन ऑफ बिलेट डायरेक्टली। ब्रेकडाउन होगा अगर बिलेट का तो आपको स्लैब मिलेगा, फिर स्लैब का अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा? तो आपको ये सब मिलेगा। तो अब आप ये बात ध्यान दीजिए कि आप मेटल फॉर्मिंग जब भी करेंगे, मेटल फॉर्मिंग में आपका रॉ मटेरियल क्या होगा? कास्टिंग में रॉ मटेरियल क्या होता है? कास्टिंग में हम जगह पे जगह से मटेरियल को जमा करते हैं, उसको फर्नेस में डाल देते हैं। रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है? मेल्टेड मोल्टेन मेटल। लेकिन मेटल फॉर्मिंग में आपका जो रॉ मटेरियल होगा हमेशा क्या होगा? आपका या तो बिलेट होगा या तो स्लैब होगा राइट। स्लैब और बिलेट का ही हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मिंग। अब कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड पे आप लोड अप्लाई कर रहे हैं, उस क्यूबॉइड पे जितना ज्यादा आप लोड, जैसे आपको बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है उसको क्या करो? क्यूबॉइड में बदल दो।
एक क्यूब है उसको क्यूबॉइड में, एक क्यूबॉइड को क्यूब में बदल दो, राइट, एक सिलेंडर है उसको डिस्क में बना दो, तो हम क्या करते हैं प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, राइट, हम क्या करते हैं प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं और पीटते हैं उसको, परमानेंट डिफॉर्म करते हैं। तो मेटल फॉर्मिंग का कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आप बोलिएगा इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द डिजायर्ड शेप ऑफ द मटेरियल, द डिजायर्ड और फाइनल शेप ऑफ द मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाई परमानेंटली डिफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल, प्लास्टिकली डिफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? तो आप प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे तभी जाके आपका वो होगा। तो इसका मतलब प्लास्टिकली अगर हमें किसी चीज को डिफॉर्म करना है, परमानेंटली डिफॉर्म करना है, तो जो आप स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे मेटल फॉर्मिंग में, याद रखिएगा मेटल फॉर्मिंग में जो आपका सिग्मा इंड्यूस होगा माय डियर, ये हमेशा आपका यील्ड पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए और अल्टीमेट से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यील्ड पॉइंट से कम रखेंगे तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और जैसे ही आप लोड हटाएंगे तो वो फिर से अपना इनिशियल शेप रीगेन कर लेगा, तो हमारा शेप तो चेंज नहीं हुआ पर डिफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, राइट। अल्टीमेट से ज्यादा रख देंगे तो टूट ही जाएगा, टूट जाएगा तो फिर उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, मालिक आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यील्ड और अल्टीमेट के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, लोड, और यही क्यों होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, और ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग ये हमें क्या देता है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट, फर्दर आगे देखेंगे। सर सारे ब्रेकडाउन रोलिंग से करते हैं या दूसरे मेथड से, डिपेंड करता है, बहुत सारे तरीके से करते हैं, राइट, रोलिंग से भी करते हैं, जैसे आपको रॉड बनाना है, शीट्स बनाना है, रोलिंग से कर सकते हैं, राइट, वो डिपेंड करता है। चलिए आई होप इट इज क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग डेफिनेशन। जब मैं मेटल फॉर्मिंग अलग से आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, ठीक है। आइए देखिए मेटल फॉर्मिंग का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, देखो मेटल फॉर्मिंग, इसी को हम लोग मेटल वर्किंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल वर्किंग। राइट, इसको भी क्लासिफाई किया गया है, इसको भी माय डियर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। इसको क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, दो पार्ट में आपका इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है आपका बल्क फॉर्मिंग और दूसरा पार्ट है आपका शीट मेटल फॉर्मिंग या शीट मेटल वर्किंग, जो बोलने का दिल आप बोल सकते हैं। देखो एवरीवन, तो यहां पे आपका जो आता है, अरे भैया आ हा हा, जहां पे आपको लगे कि सर थक गए हैं थोड़ा मनोरंजन करवा दीजिए तो मैं मनोरंजन करा दूंगा आपका, राइट, आ जाइए। तो क्या नाम है, इसको जैसे मान लीजिए इनिशियली, जैसे आपको इनिशियली रॉ मटेरियल एकदम बल्क अमाउंट में है तो उसको बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग, राइट, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग। देखो बल्क फॉर्मिंग, अब जैसे किसी को ग्लास बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है तो मटेरियल क्या होगा बल्क में, शाफ्ट्स बनाना है मटेरियल बल्क में, फोर्जिंग कर रहा है तो मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर कोई प्याला बना रहा है, कोई पानी पीने का ग्लास बना रहा है, तो उसको तो भैया शीट चाहिए ना, शीट, छोटा छोटा शीट्स का लेयर चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग शीट फॉर्मिंग या शीट मेटल वर्किंग, एक ही बात है, शीट फॉर्मिंग या शीट मेटल वर्किंग, जो दिल करे आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब बल्क फॉर्मिंग में क्या क्या आता है माय डियर, बल्क फॉर्मिंग में कौन कौन सा प्रोसेस आता है जल्दी से बताइए, तो बल्क फॉर्मिंग में कौन कौन सा प्रोसेस आता है, सबसे पहला प्रोसेस आपका आएगा, कोई एक लड़का, सबसे पहला प्रोसेस आपका लिख लीजिए रोलिंग। तो रोलिंग ऑपरेशन आपको पढ़ाएंगे बल्क फॉर्मिंग, दूसरा आपका आएगा एक्सट्रूजन, दूसरा आएगा आपका एक्सट्रूजन, और तीसरा आएगा रोलिंग एक्सट्रूजन, और तीसरा आएगा माय डियर आपका फोर्जिंग, और चौथा आएगा ये आपका वायर ड्रॉइंग, क्या आएगा वायर ड्रॉइंग,
और चौथा पांचवा आ जाएगा आपका ट्यूब ड्रॉइंग। क्या आ जाएगा? ट्यूब ड्रॉइंग। तो इन चीजों को आप याद रखोगे, राइट? तो आपको मैं अब बता रहा हूं, देखिए रोलिंग का लेक्चर आपको मिल जाएगा बहुत जगह, एक्सट्रूजन का भी मिलेगा, वायर ड्रॉइंग, ट्यूब ड्रॉइंग, लेकिन फोर्जिंग का जो लेक्चर है ना, ये उड़ा देते हैं लोग। जो फैक्ट है मैं बोलूंगा, एकदम फैक्ट। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए अभी, राइट? गेट में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि फोर्जिंग में एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फोर्जिंग। इसमें दो मॉडल है, एक है आपका स्लैब मॉडल, और मतलब एक है आपका सिलेंड्रिकल। और स्लैब वाले से जो ओपन डाई फोर्जिंग में एक बड़ा खूबसूरत न्यूमेरिकल आया है, जिसमें आपको दो तरह का मॉडल है, स्टिकिंग मॉडल और स्लाइडिंग मॉडल, उससे क्वेश्चन आया और उसको उसको उड़ा देते हैं लोग। तो आप अगर अभी सर्च कीजिए यूट्यूब पे एनालिसिस ऑफ फोर्जिंग, और देखिए कोई लेक्चर है क्या, जाके देखिएगा एनालिसिस ऑफ फोर्जिंग यूट्यूब पे अभी सर्च कीजिएगा, तो आपको एक ही लेक्चर मिलेगा और वो अयाज सर का ही लेक्चर मिलेगा, राइट? तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। रोलिंग इज देयर, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रूजन इज देयर, वायर ड्रॉइंग इज देयर, ट्यूब ड्रॉइंग देयर। तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग बल्क फॉर्मिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा शीट मेटल फॉर्मिंग। अब शीट मेटल फॉर्मिंग में माय डियर हमारा आता है, देखो कुछ नाम बताइए आप लोग भी, शीट में, शीट मेटल में नाम बताइए क्या है। एक लड़का बोल रहा है पंचिंग, सर पंचिंग पढ़ते हैं, बहुत सही। अच्छा कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि पंचिंग और पियर्सिंग में क्या डिफरेंस है, पंचिंग और पियर्सिंग में क्या डिफरेंस है, कोई लड़का बता दे पंचिंग और पियर्सिंग में। दूसरा ब्लैंकिंग, अच्छा तीसरा क्या है माय डियर, जल्दी, पंचिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग और कोई, कप ड्राइंग और डीप ड्राइंग, डीप ड्राइंग और कप ड्राइंग, एक ही बात है, और कोई बोलते जाइए जल्दी जल्दी। बेंडिंग दिख रहा है नीचे, नीचे नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दूंगा, बेंडिंग, बेंडिंग, और कोई बेंडिंग के बाद कोई, एक लड़का जल्दी, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, पता नहीं क्यों यार, एकदम चुपचाप है, क्या सब ठीक है? नाश्ता खाना वाना नहीं खाए क्या? दिन में डिनर उनर, दिन में लंच नहीं किए क्या? आ जाइए, बेंडिंग, बेंडिंग के बाद, अरे यार बता दो, स्पिनिंग, स्पिनिंग, कॉइनिंग, इम्बोसिंग, राइट? ये सब पढ़े हो या नहीं? पंचिंग, पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, डीप ड्रॉइंग, बेंडिंग, ये सब नहीं पढ़े हो? तो ये सब हमारा आ गया। फुल रिंग, नहीं, फुल रिंग ये आता है एक्सट्रूजन में, सॉरी फुर्जिंग आता है, फुल्डिंग आता है आपका फोर्जिंग में, क्लोज डाई फोर्जिंग में आता है, फुल रिंग ये सब नहीं आएगा इसमें। स्वेजिंग, फुल रिंग सब गलत सलत बता रहे हैं, सब इसका पार्ट है, क्लोज डाई फोर्जिंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, फुल रिंग, स्वेजिंग सब बताएंगे आगे, ठीक है? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, एवरीवन? चलिए तो इसको आप याद रखिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पियर्सिंग और पंचिंग, तो याद रखिएगा, देखिए पंचिंग में क्या होता है, हम होल प्रोड्यूस करते हैं, पंचिंग में हम क्या करते हैं, होल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आपका होल सर्कुलर होगा ना, सर्कुलर होल, तो हम लोग बोलते हैं पियर्स, राइट? पियर्सिंग, राइट? ऐसे एक जनरल है तो आप पंचिंग बोल सकते हैं, मतलब पियर्सिंग इज ऑल्सो अ पंचिंग, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ जाइए। अब मैं यहां पे आप एक चीज पूछ रहा हूं, सब आदमी अब मुझे बताइएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है जिनसे मैं पूछ रहा हूं, देखिए जो सही जवाब दे दिया मजा आ जाएगा, कि पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों में मटेरियल रिमूव होता है, होता है या नहीं होता है? पंचिंग और ब्लैंकिंग दोनों में मटेरियल रिमूव होता है या नहीं होता है? होता है, क्यों? क्योंकि एक जो शीट है आपका, जैसे आपने लोड अप्लाई किया, मान लीजिए जैसे आपने लोड अप्लाई, जैसे एक पंच से आपने फोर्स लगाया, पंचिंग फोर्स, और एक होल, एक डिस्क कट के बाहर हो गया,
राइट, एक डिस्क कट के बाहर हो गया, वही डिस्क को क्या बोलते हैं, ब्लैंकिंग, राइट। तो इसमें तो मटेरियल रिमूव होता है ना, मटेरियल कट के अलग हो जाता है पंचिंग और ब्लैंकिंग में, तो इसको मेटल कटिंग में क्यों नहीं पढ़ते? पंचिंग और ब्लैंकिंग में मटेरियल तो रिमूव हो जाता है, आप जब लगाइएगा तो जहां भी मटेरियल रिमूवल होगा तो उसे हमें मेटल कटिंग में पढ़ना चाहिए। तो पंचिंग और पियर्सिंग को, ब्लैंकिंग को हम यहां क्यों पढ़ते हैं शीट फॉर्मिंग में? और फॉर्मिंग में तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि मटेरियल रिमूव ना हो, मटेरियल ब्रेक ना हो, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, अल्टीमेट से कम फोर्स लगाते हैं, राइट। हमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव काटना नहीं है इसको। तो अब बताइए क्यों पढ़ते हैं इसको यहां पे? इसको तो पढ़ना चाहिए था मेटल कटिंग में, यहां पे क्यों पढ़ते हैं? कोई एक लड़का कमेंट बॉक्स से बता सकता है? ये इंटरव्यू में पूछा था इसरो के इंटरव्यू में पूछा था बच्चों कि ये शीट फॉर्मिंग का पार्ट क्यों है, राइट। ये शीट फॉर्मिंग का पार्ट क्यों, कोई लड़का? नहीं मालूम है किसी को? बहुत शानदार, किसी को नहीं मालूम। आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं मुझसे, पता नहीं। जोक सुना दे क्या कोई, कोई जोक सुना दे क्या माय डियर? इंटरेक्शन आप लोग का जीरो है एकदम। एकेजी कह रहे हैं सर इसमें टूल यूज नहीं करते, फ्रिक्शन का यूज नहीं होता, वहां शियर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। शियर तो यहां भी होता है, शियर तो यहां भी होता है। चलिए पंचिंग और ब्लैंकिंग इज अ शियर फेल्योर फेनोमेना, इसलिए आप शियर फोर्स निकालते हैं यहां पे, टाउ पाई डी टी, याद होगा, टाउ से मल्टीप्लाई करते हैं ना कि सिग्मा से। तो पंचिंग और ब्लैंकिंग भी शियर फेलियर है, इसलिए आप ऐसा लॉजिक मत दीजिए। चलिए चलिए मैं इसको आपको बताता हूं एक मिनट में, मुझे एक एक और इसी तरह का दर्द आपको दूंगा और दोनों दर्द का इलाज एक साथ करूंगा। आगे मेटल कटिंग में एक चीज आपको पढ़ाएंगे, लेथ में नर्लिंग, नर्लिंग एक ऑपरेशन है, वहां पे आपको थोड़ा सा दर्द होगा, आ जाइए। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग, देखो देखो, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर ये भी हमें समझ में आ गया मेटल फॉर्मिंग का क्लासिफिकेशन। अब ये सब समझ में आई, आखिर पढ़ना क्या है? उतना दिन से बस देख रहे थे, पता नहीं था पढ़ना क्या है। अब तो कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे कि सर रोलिंग नहीं पढ़ाए, सर एक्सट्रूजन नहीं पढ़ाए, फोर्जिंग छोड़ दिए, वायर ड्रॉइंग छोड़ दिए, ट्यूब ड्रॉइंग आप छोड़ दिए, सर न्यूमेरिकल नहीं, कम से कम मेरा कान तो अब आप पकड़ सकते हैं, मुझे मुझे तो डंडा लेके खड़े हो जाइएगा ना। सर आज सर स्पिनिंग नहीं करवाए, स्पिनिंग में बड़ा खूबसूरत न्यूमेरिकल एक करवाएंगे, सर पंचिंग पियर्सिंग ब्लैंकिंग डीप ड्रॉइंग सब करवाएंगे। तो कम से कम अवेयरनेस सबसे पहले हमें होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या और क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। चलिए तो दो चीज हो गया, अब आते हैं मेटल कटिंग पे। देखो अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, मेटल कटिंग और मशीनिंग प्रोसेस, दैट इज द नेगेटिव, इसका क्लासिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए आइए थर्ड, आइए मेटल कटिंग, मतलब इसको आप ऐसा बोले मशीनिंग प्रोसेस। देखिए तो मशीनिंग प्रोसेस माय डियर आपका सबसे ज्यादा वेटेज, आप बोलेंगे कि सर सारे मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, क्योंकि सबसे ब्रॉड टर्म है मशीनिंग प्रोसेस। अब देखो मशीनिंग प्रोसेस में हमारा इसको क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट। कोई बोलेगा कि सर ये क्या है मशीनिंग प्रोसेस क्या है? तो मशीनिंग प्रोसेस जो है इट इज ए मटीरियल रिमूवल प्रोसेस, राइट। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच द डिजायर्ड शेप, इन विच द फाइनल शेप ऑफ द मटीरियल इज ऑब्टेंड बाय रिमूविंग द एक्सेस मटीरियल फ्रॉम द ब्लैंक फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ ए कटिंग टूल, राइट। ठीक है, इसको क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में, तो क्लासिफाई किया गया तीन पार्ट में। पहला है आपका कन्वेंशनल मशीनिंग, क्या बोलते हैं कन्वेंशनल। दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल, और तीसरा है आपका एडवांस, तीसरा है आपका एडवांस मशीनिंग।
तीसरा है माय डियर आपका एडवांस मशीनिंग। तो देखिए सबसे पहला आपका आ गया कन्वेंशनल मशीनिंग, आप जानते भी हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। और तीसरा है आपका एडवांस मशीनिंग। मालूम है ना, कन्वेंशनल मशीनिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मशीनिंग, जो बहुत दिन से चला आ रहा है, परंपरागत ट्रेडिशनल मशीनिंग, याद रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एनटीडी, नॉन ट्रेडिशनल मशीन, नॉन ट्रेडिशनल मशीन। नॉन ट्रेडिशनल मशीन अब देखो एवरीवन, अब ये आता है कि कन्वेंशनल मशीनिंग में कौन कौन सा चीज है। कन्वेंशनल मशीनिंग में जितना लेथ पे आप पढ़ते हैं वो सारा सारा हमारा आ जाएगा। तो कुछ कन्वेंशनल मशीनिंग का नाम बताइए मुझे, कुछ कन्वेंशनल मशीनिंग का नाम, राइट। कुछ कन्वेंशनल मशीनिंग का नाम, जैसे इसमें आपका एक तो मशीनिंग आता है, एक आता है सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा मटेरियल रिमूव करना नहीं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है सरफेस फिनिशिंग ऑब्टेंड करना। तो बहुत सारा आपका जो है इसमें सुपर फिनिशिंग भी। तो पहला आप देखेंगे, सबसे पहला आप बोलेंगे कि अयाज सर जो सबसे फेमस है आपका टर्निंग ऑपरेशन, दूसरा है आपका टेपर टर्निंग ऑपरेशन। सारे नाम को देखिए और सबको मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, सब पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, टेपर टर्निंग ऑपरेशन। तीसरा बच्चों और नाम आप लोग बोलते जाइए कमेंट बॉक्स में। एक लड़का बोलेगा सर फेसिंग, नाम बोलते जाइएगा, नाम छोड़ना नहीं है। चलिए एक बोलेगा सर फेसिंग ऑपरेशन, चलो फेसिंग भी डाल दो, राइट। एक लड़का बोलेगा कि सर ग्रूविंग, चलिए ग्रूविंग भी है आपका, ग्रूव बनाते हैं। एक बोलेगा कि सर नर्लिंग, नर्लिंग ऑपरेशन लेथ पे करते हैं ये सब। और क्या बोलते जाइए, और बोलते जाइए, बोलते जाइए एवरीवन, फेसिंग नर्लिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलते जाइए बोलते जाइए, टर्निंग टेपर टर्निंग फेसिंग ग्रूविंग नर्लिंग, और क्या और क्या, थ्रेडिंग, अच्छा थ्रेडिंग लिख लीजिए, थ्रेडिंग, राइट, इसी को बोलते हैं थ्रेड चेजिंग, थ्रेड चेजिंग आपको पढ़ाएंगे, राइट, थ्रेड कटिंग, थ्रेड चेजिंग, थ्रेड चेजिंग, इस पे न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे। और क्या बच्चों और बताइए थोड़ा सा, और यहां पे बता दीजिए मुझे और कुछ, और आ जाइएगा आप, बोलिएगा कि सर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद बोरिंग, बोरिंग के बाद काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सब आप पढ़े होंगे, राइट। और क्या पढ़े हैं आप, शेपिंग, और क्या पढ़ना है, प्लेनिंग, सर ट्रिपेनिंग, ट्रिपेनिंग लिखिए, ट्रिपेनिंग, और बताइए, सब नाम याद रखिएगा, सब न्यूमेरिकल वगैरह कराना है। और बताइए मिलिंग, मिलिंग हो गया आपका, हॉबिंग हो गया, टैपिंग हो गया, स्लॉटिंग हो गया, ये सब हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग है।
राइट। और आ जाइए मिलिंग, मिलिंग 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 हो गया आपका, हॉबिंग हो गया आपका, हॉबिंग, गियर शेपिंग, राइट, इंडेक्सिंग भी पढ़ाएंगे आपको, गियर इंडेक्सिंग, राइट। और बताइए मुझे मिलिंग, हॉबिंग, और आप बता रहे हैं सर टैपिंग, चलिए स्लॉट बनाना, स्लॉटिंग, चलिए और कुछ नाम बता दीजिए, और ब्रोचिंग का भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, ब्रोचिंग, सुने, BROACHING, ब्रोचिंग, राइट। और कुछ, और कुछ आपका सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस के कैटेगरी में आता है, जैसे जैसे आपका लैपिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, हॉर्निंग, बफिंग, सुने होंगे नाम, लैपिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, हॉर्निंग, रीमिंग, बफिंग, राइट, ये सब एटसेट्रा, ये सबको ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि सर न्यूमेरिकल किस पे कराएंगे, गेट में न्यूमेरिकल किस पे आता है, और अयाज सर किस पे कराएंगे, तो नोट कीजिएगा, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, आपको स्टार मार दे रहा हूं, टर्निंग पे, टेपर टर्निंग, डिस्क फेसिंग, थ्रेडिंग, थ्रेड चेजिंग, राइट, ये सब पे आपको थ्रेडिंग पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ड्रिलिंग, बोरिंग, बोरिंग पे भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, शेपिंग, प्लेनिंग, मिलिंग, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, सब पे मिलिंग को आपको बांटेंगे, एंड मिलिंग, स्लैब मिलिंग, फेस मिलिंग, सिमेट्रिकल कटर, अनसिमेट्रिकल कटर, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हॉबिंग पे भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, हॉबिंग पे भी, गियर इंडेक्सिंग पे भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, गियर इंडेक्सिंग अलग है, वो एक अलग चीज है, वहां पे ये नहीं होता है मशीनिंग, तो वो आपको गियर इंडेक्सिंग पे भी न्यूमेरिकल कराएंगे, गियर शेपिंग पे भी कराएंगे, स्लॉटिंग, स्लॉटिंग पे भी न्यूमेरिकल, स्लॉट का टाइम, ब्रोचिंग पे भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, राइट। तो जितना पे मैंने स्टार मार दिया है सब पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सब पे। अगर नहीं कराया तो आप मुझे फोन कीजिएगा, जो बोलना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरे होश आवाज में बोल रहा हूँ, और ऑलरेडी मेरा लेक्चर अवेलेबल भी है, आप अभी यूट्यूब पे डालेंगे अयाज सर थ्रेडिंग आ जाएगा, अयाज सर ब्रोचिंग आ जाएगा, राइट, मैंने पढ़ाया भी है और स्पेशल क्लास में भी मैंने पढ़ाया है। तो ये सब हमारा एक कन्वेंशनल मशीनिंग टेक्निक है, और जिससे क्वेश्चंस गेट में आता रहता है। कुछ लड़के कहते हैं सर ब्रोचिंग से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं बताता हूँ कब आया, आईआईएससी बैंगलोर गेट 2008, जाके चेक कीजिए, ब्रोचिंग से न्यूमेरिकल आया हुआ है, राइट। कुछ लड़के कहते हैं सर बोरिंग से आज तक न्यूमेरिकल नहीं देखा, पीआई, जो भी पीआई से एग्जाम दे रहे हैं वो जाके चेक कीजिए, ब्रोचिंग से भी न्यूमेरिकल आ चुका है पीआई के पेपर में। जो लोग कहते हैं कि सर थ्रेड कटिंग से न्यूमेरिकल नहीं आता है, राइट, क्योंकि क्योंकि दिक्कत क्या है ना दोस्त, देखो दिक्कत क्या है ना, कि तुम जितना भी लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, जितना भी लेक्चर, तुमको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा, जो गेट में आया हुआ है, जो गेट में आया हुआ है वही लोग कराते हैं, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच ऑफ स्टडी, राइट, ये सबसे घटिया अप्रोच है, मैं बार बार इसको अवॉइड करता हूं। जो आया हुआ है वो तो ठीक है, जो आएगा वो बताइए, राइट, क्योंकि होता क्या है ना, कि जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर, अभी तक मैकेनिकल में ब्रोचिंग नहीं आया है, अभी तक टिल नाउ मैकेनिकल में ब्रोचिंग नहीं आया है, लेकिन राइट, लेकिन लेकिन राइट, अभी तक राइट, एवरीवन राइट, एक मिनट एवरीवन, चलो अभी तक मैकेनिकल में ब्रोचिंग नहीं आया है, अभी तक मैकेनिकल में ब्रोचिंग नहीं आया, लेकिन अगर 2022 में आ गया तो उसके बाद आपको हर जगह नोट्स में दिखने लगेगा कि ब्रोचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका न्यूमेरिकल कर लो, राइट। एक बार गेट 2022 में थ्रेडिंग का पूछ देना, थ्रेड कटिंग का, थ्रेड चेजिंग का, उसके बाद से आपको आने लगेगा भड़बड़ के, राइट, भड़बड़ के लोग पढ़ाने लगेंगे, बोरिंग का आ गया फिर पढ़ाना शुरू, डिस्क फेसिंग, मैं देखता हूं बहुत जगह पे लेक्चर इसका अवेलेबल नहीं रहता है, मैं अलग से आपको डिस्क फेसिंग पढ़ाऊंगा, राइट। आप हॉबिंग, हॉबिंग का भी न्यूमेरिकल मैं कहीं नहीं देखता हूं, राइट। गियर इंडेक्सिंग गायब, गियर इंडेक्सिंग इज ऑल्सो गायब, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी नहीं आया था, इस साल आ गया ना, तो वो कौन पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग,
राइट, और ऐसा हाईलाइट भी किया था कि ये आएगा, इसको देख के जाना। तो आप सभी से निवेदन है मेरी कि जो आया हुआ है ऑलरेडी पूछा हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, तो अगर आप सिर्फ उतना को करके जाएंगे तो 70 नंबर आपका आ जाएगा, 70 आप गेट में कर सकते हैं अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो। लेकिन न्यूनेस, नया क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी, ये हमें कैसे डेवलप होगी? भूषण मलिक बनाएंगे, जो टॉपिक्स हम छोड़ के जाते हैं उसको करके जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे हमें काम करना है, मेहनत करना है, ईमानदारी से ऑनेस्टली पढ़ना है। तो मेरा जब सेशंस आने लगेगा रेगुलरली, तो दो दो घंटे का लेसन होगा, टर्निंग का 2 घंटा, टेपर टर्निंग 2 घंटा, डिस्क फेसिंग 2 घंटा, थ्रेडिंग 2 घंटे, थ्रेड चेजिंग 2 घंटा, ड्रिलिंग 2 घंटा, बोरिंग 1 घंटा, शेपिंग 2 से 2.5 घंटा, प्लेनिंग 1 घंटा, राइट, मिलिंग कम से कम 5 घंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गियर हॉबिंग 2 घंटा, गियर इंडेक्सिंग 2 घंटा, गियर शेपिंग 2 घंटा, ब्रोचिंग 2 घंटा, राइट। तो इस तरह कर करके सबको मैं अलग अलग आपको एक लेक्चर सीरीज मेरा मिलेगा, लेक्चर नंबर 20 ब्रोचिंग, लेक्चर नंबर 17 गियर शेपिंग। तो आप उस तरह से पढ़िएगा ईमानदारी से, आपको मजा आएगा। चलिए, तो ये हमारा क्या था, कन्वेंशनल मशीनिंग टॉपिक था, राइट। कुछ लड़के कह रहे हैं सर इतना सारा पढ़ना होगा। हाँ भैया, सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा सर, इट्स हेवी वेटेज सब्जेक्ट सर, प्लीज डिटेल में पढ़ाइए। अमर ज्योति जी, बस आप डेली आइए ज्योति जी, पता नहीं कल आप आएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, राइट। अगर आप डेली आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके साथ चीटिंग बिल्कुल नहीं होगा, आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, राइट। आपको बहुत क्वालिटी, अगर आप पूछना चाहते हैं मेरे बारे में तो आप इस सारे टॉपिक को एक बार यूट्यूब पे डाल के चेक कर लीजिए, राइट, और किसी भी लड़के से फीडबैक ले लीजिए। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे लड़के मुझे जानते नहीं है, मैं स्मार्ट बोर्ड पे भी नहीं हूँ, सिंपल सा मेरा पेन है और ये बोर्ड है, मेरी हैंड राइटिंग है, इसी से कंटेंट देने का कोशिश करता हूँ आपको। लर्नर्स भी बहुत कम आते हैं, पॉपुलैरिटी भी जीरो है, तो अगर आप लोग आएंगे धीरे धीरे तो पॉपुलर भी हो जाऊंगा, राइट। तो सर अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ा मैंने, सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा प्रभात कुमार जी, डेली लेक्चर को देखिए आपको मजा आएगा। सर सर माई डाउट, प्रभात कुमार का क्या डाउट है? प्रभात जी आप एकदम पढ़ते रहिए आराम से, सर आप हैं तो टेंशन किस बात की है, कोई टेंशन नहीं सर, 2 आवर्स डेली होगा, 2 आवर्स डेली होगा। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका तो जगह मैं खा गया, नॉन कन्वेंशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। इसको हम देखते हैं इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो नॉन कन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में आ जाइए बच्चों। तो इसका क्लासिफिकेशन भी एग्जाम में पूछता है, तो देखिए नॉन ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, इसको याद करने का एक तरीका बताएंगे, उसको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ लड़का बोलेगा कि सर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्यों आया, जब हमारे पास कन्वेंशनल मशीनिंग था तो नॉन ट्रेडिशनल आया क्यों? ये इसलिए आया कि सबसे बड़ा समस्या इसमें क्या था, टूल वियर का। टूल 2-3 वर्कपीस को मशीनिंग करके वियर हो जाता था, क्यों वियर होता था कि रिलेटिव मोशन, देयर इज ऑलवेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, बिकॉज विदाउट रिलेटिव मोशन मटेरियल रिमूवल डज नॉट टेक्स प्लेस। तो रिलेटिव मोशन होगा तो उसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा तो वो भैया एनर्जी का लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उस हीट से क्या होगा, बर्निंग, टूल का बर्निंग होगा तो टूल वियर होगा। तो टूल वियर बहुत बड़ा समस्या था, और टूल वियर होने की वजह से बार बार टूल को ग्राइंडिंग करना पड़ता था, तो टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट, टूल परचेजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो हमें दिक्कत ये हुई कि भाई इसको कैसे कम किया जाए, और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था इसमें कि कन्वेंशनल मशीनिंग का ड्रॉबैक ये था कि अगर आपको आपका जो टूल का हार्डनेस है हमेशा वर्कपीस के हार्डनेस से ज्यादा होना चाहिए, टूल का हार्डनेस हमेशा, तो कभी कभी हमारे पास इतना हार्ड मटेरियल, जैसे एकदम एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल है, राइट, सिरामिक्स है, बहुत ही हार्ड है, तो उसका मशीनिंग ही नहीं कर पाते थे, उतना हार्ड टूल ही नहीं होता था। अब एक लड़का इसी में से बीच में बोलेगा सर डायमंड का टूल यूज कर लीजिए, भैया कंपनी बिक जाएगा डायमंड का टूल बनाएंगे, डायमंड का टूल बनाना समझ रहे हैं, कितना टूल बनाइएगा आप डायमंड का, पता चला जो वर्कर है रात में टूल ही लेके भाग जाएगा, कल से आएगा ही नहीं नौकरी पे, राइट। तो ये भी तो दिक्कत है, तो डायमंड का टूल हम नहीं बनाए, तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली और हार्ड मटेरियल के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया नॉन ट्रेडिशनल। ये बोला कि भैया टूल और वर्कपीस में हम कॉन्टैक्ट ही नहीं रखेंगे, कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं रखेंगे, और कोई हेडेक आपके पास नहीं है कि हार्डनेस ज्यादा होना चाहिए, फलाना ज्यादा होना चाहिए, सब कुछ नहीं है, राइट। तो मैं इसको डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा कि क्या रीजन था, क्या क्या था,
अभी आप आ जाइए कि बस क्लासिफिकेशन, तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को जो क्लासिफाई किया गया माय डियर, देखिए ये पोएम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पोएम जो मैं सीडीएस बीआईसी बताया ना यहाँ पे, यही करना है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे जो आपको बताया सीडीएस बीआईसी, अब यहां देखो, यहां तुमको क्या करना है, यहाँ पे पी लगा देना, पी पी सी डी एस बी बी। देखो सुनो गौर से, अब देखो मैंने क्या बोला, पी पी मतलब सी डी एस बी बी, पी मतलब हो गया प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग याद रखना। राइट, उसके बाद तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। उसके बाद तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग। अब एक लड़का बोलेगा यार ये तो मुझे याद है, ये पीसीडीएस बीबी क्या बता रहा है ये आदमी। आयास सर जो भी बताते हैं राइट, वो बहुत काम का होता है, बात याद रखिएगा। पीसीडीएस बीबी में कुछ छुपा हुआ है, आपको नहीं मालूम है राइट, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये समझिएगा नाम, नाम याद करना क्या जरूरी है, तो नाम याद करने का तरीका ये जरूरी है, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। ये क्या है आपका, अल्ट्रा सोनिक मशीन, उसके बाद माय डियर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीन, क्या है इलेक्ट्रॉन बीम मशीन, और लास्ट है आपका लेजर बीम मशीन। अब यहां पे हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग ये सब कंसीडर नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि उसका जो एमआरआर होता है वो डिपेंड करता है थोड़ा एब्रेसिव के कंसंट्रेशन, वैसे कम होता है, प्लाज्मा का सबसे ज्यादा होता है याद रखिएगा। तो मैं इसको इसलिए आपको बोला कि इस सीक्वेंस में याद करो, इसके पीछे रीजन ये था कि अगर आप इसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका मटीरियल रिमूवल रेट क्या होगा, क्या होगा भैया, एमआरआर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे याद रखिएगा कि एमआरआर डिक्रीजेस, एमआरआर डिक्रीजेस, एमआरआर डिक्रीजेस। एमआरआर डिक्रीज करेगा मतलब सबसे हाई एमआरआर होगा इसका, सबसे हाई एमआरआर होगा इसका, हाई होगा प्लाज्मा का याद रहेगा और लो होगा लेजर का। ये सबको याद हो गया, जल्दी बोलो, बहुत बार क्वेश्चन आया है प्लाज्मा का, इसीलिए बता रहे पी सी डी एस बी बी। टूल वियर जीरो किसमें होता है, एकदम जीरो सीधे अगर एग्जाम में आ जाए कि, तो बाकी सब में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ईसीएम में, ईसीएम में टूल वियर हमारा क्या होता है, जीरो, लिख लो जीरो टूल वियर, जीरो टूल वियर ईसीएम में लिखो, जीरो टूल वियर लिखो, यहां पर ऑब्जेक्टिव में आएगा जीरो टूल भी है, होता ही नहीं है, 1% भी नहीं होता, जीरो टूल भी है राइट, जीरो टूल भी है, इसको याद है, बाकी सब में होता है, कम होता है, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा राइट, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा माय डियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, तो आई होप इट इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार थम्सअप दे दीजिए राइट, एक बार थम्सअप दे दीजिए माय डियर, एक बार थम्स अप कर दीजिए सब आदमी, प्लीज एवरीवन एक बार थम्स अप कर दो, चलो बहुत बढ़िया। सब आदमी प्लीज लेट मी नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कैसा रहा लेक्चर राइट, चलिए आगे बढ़ जाएं। तो अब हम लोग आ जाते हैं एडवांस्ड मशीनिंग टेक्निक में, तो एडवांस मशीनिंग, लाइक बटन दबा रहे हैं सब लोग, एडवांस मशीनिंग टेक्निक, देखो एडवांस मशीनिंग टेक्निक,
एडवांस मशीनिंग में अब गेट में सिर्फ एनसी सीएनसी है, पहले हमारा था तो जो है बस मैं वही लिखूंगा, राइट। पहले हमारा एनसी सीएनसी डीएनसी एफएमएस कैड कैम, राइट। तो हम यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग्स वगैरह बताएंगे, और एनसी सीएनसी मतलब एनसी न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीनिंग, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीनिंग, राइट। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो सीएनसी ये होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन, कंट्रोल्ड मशीनिंग याद रहेगा, राइट। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता है किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है हमारा डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। बहुत सारा है, मैं कितना लिखाऊं आपको, डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, सब इच एंड एवरीथिंग पढ़ाऊंगा आपको, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, मशीन या मशीन, राइट। तो आगे कैड कैम एफएमएस बहुत सारी चीजें, उतना छोड़िए, राइट। तो चलिए आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा माय डियर। किसी को कोई दिक्कत है, प्रभात जी कोई दिक्कत है आपको यहां तक, जल्दी से बता दीजिए एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं, वेल डन वेल डन, लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा एडवांस मशीनिंग है, इसको भी हम लोग करेंगे। अब एक लड़का बोला कि सर एडवांस मशीनिंग पे आप क्यों आ गए। एडवांस मशीनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इस वाले में कन्वेंशनल मशीनिंग में ना रिपीटेबिलिटी बहुत पुअर थी। रिपीटेबिलिटी समझते हैं, जैसे ये ग्लास है, अगर मान लीजिए ये ग्लास 15 सेंटीमीटर का, तो आप जब दूसरा ग्लास लेंगे ना तो वो 15.02 सेंटीमीटर का होगा, कोई ग्लास आपका 14.80 का होगा, मतलब जो टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यही वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हमने एडवांस मशीनिंग की तरफ हम बढ़े, कि 15 मतलब 15, बहुत टॉलरेंस अगर हो तो 0.0001, राइट, उतना ज्यादा नहीं। सर कितने डेज चलेगा ये कोर्स, पूरा मैन्युफैक्चरिंग चलेगा बच्चों, कम से कम 2 महीना, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कम से कम 2 महीना, पूरा मैन्युफैक्चरिंग चलेगा कम से कम 2 महीना माय डियर। मजा आ रहा है ना यहां तक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एवरीवन। बस मुझे ये बताइए आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है बच्चों, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है, आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं है, रेगुलरली लेक्चर को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, रेगुलरली लेक्चर को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट हम लोग आ जाते हैं, देखो यहां पे लास्ट हमारा है, ये भी हमारा हो गया, इसका आप सारा चीज समझ गए, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेटल कटिंग में, कन्वेंशनल तो अपने आप में बहुत बड़ा है। सर क्या इसमें फुल कोर्स है, जी फुल कोर्स होगा, पूरा का पूरा कोर्स आपका होगा, राइट। ये हो गया हमारा, कास्टिंग में बता दिए क्या क्या पढ़ाना है, फॉर्मिंग में आपको बता दिए, और मेटल कटिंग में अब आते हैं मेटल ज्वाइनिंग पॉजिटिव प्रो, दैट इज द लास्ट, इसमें देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल ज्वाइनिंग। तो आज आपको जाके पूरा चीज समझ में आ जाएगा। सर आफ्टर डैट गेट में क्वेश्चन सारे बनेंगे, 1000% सारे बनेंगे, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, आप बस पढ़िए ऑनेस्टली से, आप अपना पढ़ाई कीजिए, सब बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बनेंगे। नाउ माय डियर आ जाओ वेल्डिंग पे एवरीवन, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस का। अब देखो मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा सा, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस,
इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, राइट। वेल्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रोसेस। अब देखो मैं चाहूं तो इसको ऐसे ऐसे कर सकता हूं कि परमानेंट ज्वाइंट, राइट, टेम्पररी ज्वाइंट, फिर परमानेंट ज्वाइंट में चले जाएं, वेल्डिंग ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट, वो सब। अब नट एंड बोल्ट वो सब मैं नहीं करने जा रहा, वो सब मशीन डिजाइन का पार्ट है, तो मैं अननेसेसरी कोर्स को लंबा नहीं करूंगा कि आप भी ये फ्रस्ट्रेट हो जाइए, राइट। तो वो सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो डायरेक्टली देखिए, क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से पढ़ाना है, तो मैं उसको वो वाले डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, राइट। तो आ जाओ, तो देखो एवरीवन व्हाट इज हेयर। तो मेटल ज्वाइनिंग को, वेल्डिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। क्या है दो पार्ट? देखो क्या है दो पार्ट एवरीवन, देखो तीन पार्ट में, सॉरी। सबसे पहला है आपका सॉलिड स्टेट। ये सब देखो मैं जितना भी क्लासिफिकेशन किया हूं, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता था, आता है, आता रहेगा। पहला है हमारा माय डियर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। क्या है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, राइट। दूसरा है आपका लिक्विड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक, और तीसरा है आपका सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट। अब एक लड़का बोलेगा ये क्या है भाई, सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड? अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, राइट, तो वो सॉलिड ही इसमें रहेगा। आप जितना भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो दो पॉसिबिलिटी, आप हीट ही कम दे रहे हैं, कम हीट सप्लाई कीजिएगा तो मेटल आपका मेल्ट नहीं हो पाएगा, राइट राइट राइट। अगर आप मान लीजिए हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेस अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो मटेरियल मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो होता है क्या सॉलिड स्टेट में, जैसे मान लो ये दो बॉटल है हमारे, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक में होता है क्या, जैसे ये दो बॉटल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को रब करते हैं, ऐसे ऐसे रब रब करेंगे, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट से क्या होता है, मटेरियल आपस में मेल्ट हो जाता है वहां पे, और मटेरियल जब मेल्ट हो जाता है तो हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करते थे, हल्का सा प्रेशर अप्लाई किया, वेल्डिंग हो जाता है हमारा, राइट। वेल्डिंग हमारा वहां पे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड, मतलब वेल्ड पूल नहीं बनता है। पूल समझना, पूल मतलब जैसे मान लो तुम दो मेटल को जोड़ रहे हो, यहां पे समझो, मान लो ये तुम्हारा एक मेटल है, ये तुम्हारा एक मेटल है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस दोनों को तुम जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे हल्का सा ये मेल्ट होगा, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मेल्टिंग होगा, और ये आपका अपने आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ज्वाइंट हो जाएगा। तो मतलब ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में रहेगा, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, स्विमिंग पूल के तरह, जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल, सपोज इट इज लाइक दिस एंड इट इज लाइक दिस, दो बार को आप जोड़ रहे हैं, तो यहां पे इन्फोर्समेंट आया था, री इन्फोर्समेंट, आपको मालूम भी होगा, ये ऐसा हो जाता है, देखो ये पूरा पानी पानी पानी, मतलब ऐसा हो जाता है एकदम, मेटल का मतलब पूल बन जाता है, इसको बोलते हैं वेल्ड पूल, राइट, वेल्ड पूल। क्या इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब वेल्डिंग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसको बोलते हैं वेल्ड पूल। तो अगर आपका पूरा पूल बन जाए, इसमें कोई कूद जाएगा तो बच्चों बचेगा? इसमें उंगली डाल दोगे, उंगली वापस ही नहीं आएगा तुम्हारा, राइट। 2200 डिग्री सेल्सियस पे रहता है ये, अगर आयरन की बात करें तो ये वेल्ड पूल है। तो इस वेल्ड पूल अगर कहीं बनेगा तो उसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट, मतलब पूरा मेल्ट हो चुका है हमारा। और अगर वेल्ड पूल नहीं बन रहा है, सॉलिड स्टेट। और अगर मान लो कोई तुम्हारा बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का है, उसको तुम थोड़ा सा हीट दोगे वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो उसको बोल देंगे लिक्विड। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो उसमें तुम बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करोगे तब जाके वो मेल्ट होगा। तो इसका मतलब है ये आपका सॉलिड और लिक्विड वाले केस में ये आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो, अब होता है क्या, तुम तो ये समझ गए सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेशन समझ गए, अब यहां पे इसको एक दूसरे तरह से भी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को बोलते हैं ऑटोजिनस वेल्डिंग, ऑटोजिनस वेल्डिंग, ऑटोजिनस वेल्डिंग। इसको बोलते हैं होमोजिनस वेल्डिंग, होमो होमोजिनस वेल्डिंग। और इसको बोलते हैं हेट्रोजिनस वेल्डिंग, हेट्रोजिनस वेल्डिंग। अब ध्यान दो एवरीवन,
ऑटोजिनस बिल्डिंग, ऑटो मतलब ऑटो का क्या मतलब हो गया, सेल्फ, जो सेल्फ हो जाए, स्वतः, हिंदी बोलते हैं स्वतः, खुद से हो जाए, ठीक है। तो अब होता है क्या कि मान लो इस दोनों पेन है ना, तुमको इसको जोड़ना है, तो अगर इसके बीच का गैप ज्यादा है तो हम इसमें क्या करते हैं, फिलर मटेरियल डालते हैं, एक्सटर्नल मटेरियल फिल करने के लिए, इस गैप को भरने के लिए। तो फिलर मटेरियल अगर तुम ऐड करोगे किसी भी मेटल को ज्वाइन करने में, गैप को फिल करने के लिए, अगर तुम फिलर मटेरियल को ऐड करते हो तो उसको हम लोग होमोजीनस बिल्डिंग या हेट्रोजीनस बोलते हैं। अगर तुम फिलर मटेरियल को ऐड नहीं करते, वो अपने आप ज्वाइनिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, खुद से हो जाता है ज्वाइनिंग, खुद से ज्वाइनिंग हो जाता है, हमें बाहर के मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। मतलब हल्का सा गैप है, प्रेशर अप्लाई किए, लिक्विड मेटल मेल्ट हो गया है, प्रेशर अप्लाई किया, ज्वाइनिंग टेक्स प्लेस, फिलर मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वेन एवर फिलर मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, देन सच वेल्डिंग टेक्निक इज कॉल्ड ऑटोजिनस वेल्डिंग टेक्निक। तो यहां पे लिख लो कि इसमें आपका क्या होता है, फिलर मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड, फिलर मटेरियल इज नॉट एडेड, नॉट एडेड, राइट। फिलर मटेरियल हम एड नहीं करते किसमें, सॉलिड और सॉलिड स्टेट में, ऑटोजिनस में। अब आओ होमोजिनस, होमो मतलब क्या होता है, सेम, होमो मतलब हो गया सेम। तो फिलर मटेरियल ऐड तो करते हैं लेकिन सेम एज अ बेस मेटल। मतलब अगर तुम आयरन का वेल्डिंग कर रहे हो, दोनों आयरन का प्लेट्स है, इसको जोड़ रहे हो, तो फिलर मटेरियल भी किस चीज का डालोगे, आयरन का। तो फिलर मटेरियल इज एडेड बट सेम एज अ बेस मेटल, उसको बोलेंगे होमो। समझ में आ रहा है, फिलर ऐसे लिख लो, फिलर मटेरियल इज एडेड बट सेम एज अ बेस मेटल। तो यहां पे तुम लिखोगे कि फिलर मटेरियल इज एडेड, फिलर मटेरियल इज एडेड एंड सेम एज अ बेस मेटल। बेस मेटल, फिलर मटेरियल इज एडेड बट सेम एज अ बेस मेटल। यहां पे क्या बोलोगे, हेट्रो, हेट्रो में बोलोगे फिलर मटेरियल इज एडेड बट डिफरेंट फ्रॉम द बेस मेटल, डिफरेंट फ्रॉम द बेस मेटल। जैसे तुम कभी रेडियो ऑडियो बनवाने गए होगे, रेडियो या टीवी वगैरह में, तो तुम देखते हो वहां पे सोल्डरिंग करता है, सोल्डरिंग करते देखे होगे, तो वहां पे कोई भी रैंडम, मतलब वैसा देखता नहीं है कि हम किस दो मटेरियल को जोड़ रहे हैं, एक वायर रहता है सोल्डर, उसके पास सोल्डर लेता है, एक वायर रहता है, उसको पिघला के उसमें डाल देता है, राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस मेटल, तो फिलर मेटल को हम ऐड करेंगे लेकिन डिफरेंट होगा, तो उसको हेट्रो बोलेंगे, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ये बात समझ में आ गई, एक बार हार्ट शेयर कर दीजिए सब लोग, बहुत देर से हार्ट शेयर नहीं किया आप लोग, यहां तक एक बार हार्ट शेयर करो सब आदमी, एक बार सब आदमी, सर मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, राइट, एवरीवन हिट द लाइक बटन प्लीज। चलो अब आते हैं हम लोग कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसा आएगा, क्वेश्चंस हमें ये आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड स्टेट बिल्डिंग टेक्निक। तो आपको ये याद रखना है कुछ सॉलिड स्टेट बिल्डिंग टेक्निक का नाम। तो कुछ सॉलिड स्टेट बिल्डिंग टेक्निक का नाम हमें याद रखना है, क्या है, देखो क्या है हमारा। हाय प्रभात, प्रभात आप कल आइएगा, जरूर आइएगा। पहला है हमारा, देखो आपसे एग्जाम में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट बिल्डिंग, देखो सॉलिड स्टेट बिल्डिंग टेक्निक ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, भर भर के गेट का क्वेश्चन बैंक देखिएगा। तो सबसे पहला है आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग आपका सॉलिड स्टेट बिल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, फोर्ज वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, डिफ्यूजन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है,
प्रेशर वेल्डिंग आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, राइट। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, मतलब अगर कभी भी गेट एग्जाम में आए कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक, तो ये आपको जो फ्रिक्शन, प्रेशर, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, वन छूट गया, अल्ट्रासोनिक लिख लीजिए, दिख रहा है नीचे, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी हमारा एक होता है, आ जाओ, एक हमारा हो जाएगा अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग और एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया, ये नाम याद रखिएगा, दैट्स वेरी गुड। अब देखो कैमरा की क्वालिटी मेरा थोड़ा खराब हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं होमोजीनस वेल्डिंग। होमोजीनस वेल्डिंग में आपको ये तीन चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, तीन चीज क्या है, ये आप याद रखिएगा, ए आर सी, क्या याद रखिएगा, ए आर सी, राइट, ए आर सी। पहला है आपका आर्क वेल्डिंग, क्या है, आर्क वेल्डिंग, आर है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और चौथा है आपका केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग। तो ये जो तीनों है आपका क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक है, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और केमिकल वेल्डिंग। इसको फर्दर आप जब क्लासिफाई करेंगे तो आर्क वेल्डिंग में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, राइट। आर्क वेल्डिंग को जब आप क्लासिफाई करेंगे, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख पाऊंगा, एक आपका होता है एस एम ए डब्ल्यू, आप लिख लीजिएगा एस एम ए डब्ल्यू, एस एम ए डब्ल्यू मीन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, आप अपने कॉपी में लिखिएगा अच्छे से, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, हम लोग पढ़ेंगे इस पे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, राइट। दूसरा आपका होगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसी का दूसरा नाम है मिग, एम आई जी, मिग, याद रखिएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तीसरा है आपका जी टी ए डब्ल्यू, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसका नाम है टी आई जी, टिग, टी आई जी, टिग, यस, याद रहेगा। एस ए डब्ल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, याद रहेगा एवरीवन, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, पी ए डब्ल्यू, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये सबका न्यूमेरिकल आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा माय डियर। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मिग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टिग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। आई होप इट इज क्लियर। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका चार इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस में, एक आपका इसमें आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा और चार आ जाएगा। तो यहां पे आप देखो, शील्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपका आएगा सबसे पहला स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा आएगा आपका सिम वेल्डिंग, चौथा आएगा आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये सब नाम पूछता है, जो लड़का इसको हल्के में ले रहा है ना, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ऐसा ही आएगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, याद रहेगा एवरीवन। अब आ जाइए आप केमिकल वेल्डिंग में माय डियर। केमिकल वेल्डिंग में आपका बहुत ही फेमस वेल्डिंग है, जो रेलवे ट्रैक जोड़ने के काम में आता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या नाम है बच्चों रेलवे ट्रैक वाले का, थर्मिट वेल्डिंग,
थर्मेट वेल्डिंग के बाद ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। नाम सुने ये सब, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ये चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। अच्छा, अब आता है सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट। तो इसमें आता है आपका दो, एक आता है आपका सोल्डरिंग और एक आता है आपका ब्रेजिंग, राइट। लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ये भी वेल्डिंग ही है एक तरह का। तो यहां पे आपका आ जाएगा सोल्डरिंग और यहां पे आ जाएगा आपका ब्रेजिंग। दिस इज द क्लासिफिकेशन। इससे गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सोल्डरिंग हम तब करते हैं जो सोल्डरिंग टेम्परेचर हमारा कितना होता है, लेस देन 430 डिग्री सेल्सियस, और ब्रेजिंग टेम्परेचर हमारा होता है ग्रेटर देन 430, लेकिन 1000 से कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कभी भी आपसे बोले तो आप याद रखिएगा कि वेल्डिंग टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका ब्रेजिंग टेम्परेचर, और सबसे कम आपका सोल्डरिंग टेम्परेचर होगा। ये इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, राइट। ब्रेजिंग और सोल्डरिंग भी स्पेशल टाइप ऑफ वेल्डिंग, स्पेशल टाइप ऑफ वेल्डिंग, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा, दैट इज द क्लासिफिकेशन। अब यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग लिक्विड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक है, लिक्विड स्टेट है, लेकिन इसमें हम लोग फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते। फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड। इसमें याद रखिए एक्सेप्शन है, फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड, फिलर मटेरियल इज नॉट यूज्ड। ये एक्सेप्शन है, राइट। आर्क में करते हैं, केमिकल में करते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट तो है लेकिन फिलर मटेरियल ऐड नहीं करते हैं इसमें। बस यही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत लड़के एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। तो ये था हमारा वेल्डिंग का क्लास। अब बोलेगा यार सर आप न्यूमेरिकल किसमें किसमें पढ़ाइएगा, न्यूमेरिकल आर्क वेल्डिंग का हम पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पढ़ाएंगे, राइट। आर्क और रेजिस्टेंस और केमिकल मेनली यही है, लिक्विड स्टेट में ही हमारा मेनली न्यूमेरिकल आता है, बाकी सॉलिड में न्यूमेरिकल है नहीं। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, बहुत शानदार शानदार, रेजिस्टेंस में भी शानदार शानदार और केमिकल वेल्डिंग में भी शानदार शानदार, ये तीनों में आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। अच्छा, एक आ जाता है आपका अलग से रेडिएशन वेल्डिंग, ये थोड़ा अलग है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं, रेडिएशन वेल्डिंग। तो रेडिएशन वेल्डिंग की अगर आप बात करेंगे, रेडिएशन एनर्जी की, तो इसमें आपका दो आएगा, एक आएगा आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और एक और आएगा आपका लेजर बीम वेल्डिंग, राइट। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन, नाम जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, और लेजर बीम वेल्डिंग। इसको LBW, इसको EBW, और न्यूमेरिकल मैं इस पे भी करवाऊंगा, लेजर बीम वेल्डिंग पे भी करवाऊंगा, राइट। मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आया नहीं है गेट में, लेकिन हमें करके जाना है, क्योंकि करके जाएंगे तो स्क्रीन पे देखेंगे तो दर्द नहीं होगा। करके गए रहते तो स्क्रीन पे आ गया तो नया नहीं लगेगा, सवाल सॉल्व कर लेंगे। नहीं करके गए, अरे बाप रे, जैसे ही क्वेश्चन पड़ेगा लेजर का न्यूमेरिकल, लेजर में भी न्यूमेरिकल होता है, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत स्विच कर जाएगा, छोड़ देगा तुरंत, राइट। आउट ऑफ सिलेबस, नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ है वेल्डिंग, ये नहीं लिखा हुआ है कि मैं लेजर से नहीं पूछूंगा, राइट। तो कैसा लगा बच्चों आपको आज का सेशन? वेल्डिंग को भी हमने क्लासिफाई कर दिया बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो और मशीनिंग को, एवरीथिंग आई हैव क्लासिफाइड इन अ वेरी गुड मैनर। आई होप शायद आपको ये लेक्चर इंट्रोडक्शन मजा आया। दिल से बताइए आज का इंट्रोडक्शन देख के कैसा लगा, अभी तक ऐसा इंट्रोडक्शन पढ़े थे कभी भी? एवरीवन एक बार थम्सअप कर दीजिए और हार्ट का बौछार कर दीजिए। ऋषभ राजपूत, प्रभात कुमार, जो भी लड़के पीआई से गेट देने वाले हैं सबको बुला लीजिए, जो भी लड़के पीआई से गेट देने वाले हैं सबको बुला लीजिए,
और डेली आइए, आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ और मैं पूरी मेहनत करूंगा। कम से कम 50 लाइक्स होने चाहिए, बहुत कम लाइक है, एक डिसलाइक भी कर दिया। कल से धमाल होगा, बिल्कुल कल से धमाल होगा। और मुझे अनएकेडमी स्पेशल क्लास पे भी जरूर फॉलो कर ले आप लोग बच्चों, एवरीवन फॉलो मी ऑन अनएकेडमी स्पेशल क्लास। और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर मेरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अयाज सर थर्मो आपको टाइप करना है, लेक्चर मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए बच्चों, कैसा रहा एवरीवन, सब आदमी बताइए कैसा रहा फीडबैक, गिव मी फीडबैक माय डियर लर्नर्स, प्लीज गिव मी फीडबैक, हाउ वाज द सेशन, हाउ वाज द सेशन एवरीवन, हाउ वाज द सेशन एवरीवन, प्लीज। तो लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसी, सब्सक्राइब द लीड गेट टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स एंड यूज अयाज 10 कोड। अगर आपको मेरे कोर्सेस समझ में आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो आप अयाज 10 कोड जरूर यूज कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, राइट, और लाइक बटन दबाइए और सारे दोस्तों को बुला लीजिए। कल हमारा मेटल कटिंग एंड मशीन टूल्स, तो इसमें से सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये, कल से हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही डिटेल कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑन यूट्यूब, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय। इसके बाद करेंगे मेटल फॉर्मिंग, इसके बाद करेंगे वेल्डिंग, फिर करेंगे कास्टिंग, मेट्रोलॉजी, सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू, लेट्स क्रैक गेट एन ईएसी, सब्सक्राइब द लीड गेट टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स, बाय 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 बाय। अयाज 10 कोड जरूर यूज कीजिएगा बच्चों, अयाज 10 कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे कोर्सेज को देखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय, सी यू।